information. जय जय श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, जय राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय राधे राधे राधे। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण कमल
जा
Yeah.
अच्छा बोल रहा है आराम से तुम्हें नहीं पता बोलना पड़ेगा थोड़ा सा हरे कृष्ण भवम ज्ञान तिमिरां दत्त ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय राधिकाय अभियात्मने शिष्यमात्मक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामेन सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद शिष्यमात् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की चरण सरोज में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हुए उपस्थित प्रौत के समस्त वैष्णव वैष्णवों को कोटि कोटि दंड प्रणाम। और हमारे बीच ब्रजवासी श्री दामोदर प्रभु विशेष करके गुरुदेव के अतिशय प्रिय उनके चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। और संजीत प्रभु इत्यादि समस्त ब्रह्मचारियों के भी चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस भगवान श्री कृष्ण का कल जन्म हुआ, जन्माष्टमी हम लोगों ने मनाई। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जो भजन पथ पे व्यक्ति चलता है उससे उत्कृष्ट कुछ नहीं, उससे बढ़कर कोई भक्ति नहीं। और ये जो महामंत्र है इसकी समस्त वेदों समस्त पुराणों में बुरी बुरी प्रशंसा है। चाहे तो कलि संतरण उपनिषद में देखें, चाहे तो पद्म पुराण में देखें, तो स्पष्ट यही पाया जाता है कि 32 अक्षर और 16 शब्दों का जो नाम है एकमात्र यही महामंत्र कलयुग में उद्धार करने के लिए उपयुक्त है। क्या है वो महामंत्र? 32 अक्षर और 16 नाम का हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। देखो ये जो महामंत्र है मच्छर आवे उन्होंने जलाते कोई व्यक्ति कर्म में लगा हुआ है आप बैठे हो दूर से जो देख रहे हैं लाइव मच्छर आवे उन्होंने जलाते। कोई व्यक्ति कर्म में लगा हुआ है उसके लिए भी, कोई व्यक्ति ज्ञान में लगा हुआ है उसके लिए भी, कोई व्यक्ति योग में लगा हुआ है उसके लिए भी, और कोई व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, चाहे वो साधन अवस्था में है और चाहे वो सिद्ध अवस्था में। ये साधन भी है और साध्य भी है। ये महामंत्र जो है हमेशा भगवान का स्मरण कराने के लिए, भगवान की प्रीति बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त सबसे उत्कृष्ट साधन है। इसीलिए हम लोग इसको धैर्य से, निश्चय से और उत्साह से इसको हमें जपना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। ऐसा ही श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर चरित्र है जड़ भरत, जिनकी वजह से ये हमारे देश का भी नाम भारत पड़ा। श्री ऋषभदेव महाराज उनके 100 पुत्र, और ऋषभदेव महाराज स्वयं भगवान विष्णु के ही अंश, उनके ये पुत्र 100 पुत्र जो हैं, इनमें एक से बढ़कर एक दिव्य रत्न, जिसमें नव योगेंद्र भी हुए और जिसमें सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र ये भरत हुए। ये भरत इतने ज्यादा पराक्रमी तो थे ही, और भक्ति में अपने पिता के समान, जैसे ऋषभदेव का यदि हम थोड़ा बहुत चरित्र का उपाख्यान श्रवण करें तो उसमें आता है कि जब ऋषभदेव अपने बच्चों को समझा करके और वन मन में
जाकर के भजन किया और इतना भाव विभोर हो गए कि उन्हें खाने पीने सोने और यहाँ तक कि वस्त्र पहने हुए हैं या नहीं इसकी भी कोई चिंता नहीं। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। और ऋषभदेव भगवान जहां कहीं भी जाते हर प्रकार के लोग इस धराधाम में कोई अच्छे हैं कोई बुरे हैं और कोई महाबुरे हैं। तो ऋषभदेव भगवान निरंतर हृदय में भगवान का चिंतन करते हुए विचरण कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे दृष्टता दिखाने वाले दुष्ट लोग जो उनके ऊपर थूक देते थे वो जहां से गुजरते उनको पागल और इस तरीके से समझ करके उनका उपहास उड़ाते और कुछ ऐसे भी थे जो उनको महान संत मान भगवान का अवतार मान करके उनकी सेवा करना चाहते थे। एक समय जब भजन करते करते दक्षिण भारत में ये पहुंचे और वहां पर इन्होंने समस्त प्रकृति के अंतर्गत रहते हुए वैसे तो भगवान को प्रकृति कभी छुप भी नहीं पाती लेकिन लीला करते हुए यहाँ के नित्य क्रम भी त्याग दिए। जैसे लेटे लेटे हरिनाम कर रहे हैं और लेटे लेटे ही मल त्याग रहे हैं। इनके मल त्यागने से जो वहां के क्षेत्र का 64 योजन का क्षेत्र था उसमें भी इतनी सुंदर सुंदर खुशबू आती थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि भगवान का समस्त उनका शरीर समस्त अंग उनका जो शरीर से कुछ चीज अंग या अंश कुछ भी प्रकट होता है वो हमेशा पवित्र है और बड़ा ही आनंद प्रदान करने वाला है। इस तरीके से इनका जब इच्छा हुई कि अब मुझे पुनः अपने धाम चलना चाहिए तो वो वहां से गए थे लेकिन जाने से पहले एक बार घूमते घूमते भरत महाराज और उनके जो 99 भाई सभा में बैठे उनको उन्होंने सुंदर सुंदर उपदेश दिए। क्या कहा? साधुओं को और अपने प्रजा समान बच्चों को उन्होंने ये बताया कि देखो यहाँ यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और प्रभु की भक्ति नहीं की तो जीवन व्यर्थ है। वो पिता पिता नहीं जो अपने बच्चों को भक्ति नहीं सिखाता, वह माता माता नहीं जो अपने बच्चों को भक्ति में नहीं लगाता और वह गुरु गुरु नहीं जो शिष्यों को भगवान की भक्ति नहीं सिखाता उल्टा अपनी भक्ति में लगा देता। आजकल ऐसे गुरुओं की भरमार है पूरे कलयुग में। तो भगवान को तो एक तरफ रख दिया जाता है और अपने आप को ही भगवान बता दिया जाता है। तो ये सारी चीज हमें जाननी चाहिए कि ऐसे गुरुओं से हमें बचना है जो अपने आप को भगवान बता देते हैं और पता चलता है कुछ समय बाद वो भगवान जी जेल में पड़े। ऐसे गुरु के पास हमें नहीं जाना है। गुरु को हमेशा देख करके परख करके उनके आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि देखो बच्चों तुम कुछ भी काम करो लेकिन यदि जीवन में आपने भक्ति रूपी तपस्या नहीं की तो जीवन निरर्थक है। चाहे तुम्हारा कितना यश हो जाए कितना प्रतिष्ठा हो जाए सब व्यर्थ है। इस तरीके से उन्होंने बताया कि तुम सब अंततः अपने जीवन का जो लक्ष्य है वह निर्धारित करके उसको प्राप्त करने की हमेशा चेष्टा करो। वो क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। भरत महाराज भी अपने पिता की समस्त ज्ञान की बातें समझ करके हमेशा निरंतर हरि नाम जप किया करते और बड़े बड़े महात्माओं की सेवा किया करते और धीरे धीरे ज्ञान और विरक्ति उनकी बढ़ती चली गई। इतना विरक्ति हुई हृदय के अंदर कि अपने रानियों अपने बच्चों तक से अब आसक्ति छूट चली थी। उन्होंने अपने पुत्रों को सिंहासन प्रदान करके अब वो भी हरिद्वार चले गए और हरिद्वार से वो गंडकी नदी जो नेपाल में आजकल है वहां पर जा करके उन्होंने अपनी कुटिया बना करके भजन किया। क्योंकि भगवान का नाम लेने वाले महान संत भरत हुए इसीलिए हमारे देश का नाम भारत। बोलो भारतवर्ष की जय। हमारे यहाँ एक नहीं दो नहीं तीन तीन भरत हुए
एक तो रामानुज राम भगवान के छोटे भैया भरत, एक दुष्यंत और सुभद्रा के पुत्र श्री भरत, और एक ये ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत, जिस वजह से हमारे देश को जो है अब इन्होंने समस्त संसार से विरक्ति प्राप्त करके अपना आश्रम में हमेशा निरंतर नित्य कर्म करते, सुबह 4 बजे उठकर के स्नान आदि करते, वंदना करते भगवान की, और सुंदर तरीके से जप करते, आरती करते, पूजा इत्यादि करते। दोपहर की आनेक कर रहे थे, संध्या कर रहे थे, तभी हमने देखा कि गंडकी नदी में एक हिरणी जल पीने के लिए आई है, और वो जल पी रही है लेकिन भयभीत अवस्था में है। वो गर्भिणी थी और वो भयभीत अवस्था में है, और पीछे से एकदम शेर की दहाड़ आई। शेर की दहाड़ सुनकर के वो भयभीत होकर के उसने नदी में ही छलांग लगा दी। नदी में जब छलांग लगाई तो वो नदी को पार करके जहां भरत जी थे इस तरफ आना चाहती थी, लेकिन गर्भिणी होने के कारण वो इतनी थकी हुई थी कि वो पार करते करते उसके प्राण अंत हो गए और प्रसव भी हो गया। एक शावक हिरण को उन्होंने प्रसव करा। तो ये देख करके अब देखो, ये भक्ति जो है, जब भक्त भक्ति करता है तो तुलसीदास जी ने भी कई बार कहा अपने मानस में कि देवी देवता क्या करते हैं, ये उनकी परीक्षा लेते हैं, उनको अवरोध पहुंचाते हैं। अब यहाँ परीक्षा का समय आ गया। श्री भरत जी ने जब देखा कि ये छोटा सा शावक जो नदी में बहता हुआ जा रहा है, इसकी मैया तो मर गई और ये भी मर जाएगा, एकदम से अपनी संध्या वंदना इत्यादि को छोड़ करके भागे और उस शावक को उठा करके अंक में भर करके लेकर आए और उसको बड़े स्नेह किया, प्रेम किया, दूध लाकर गैया का बड़ा पवित्र दूध उसके मुख में थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके डाला, उसको चेतना आई और उसकी हल्की हल्की मालिश की। इस तरीके से सेवा, जिस राजा ने कभी अपने पुत्रों की सेवा नहीं की, वो किसकी सेवा कर रहा है? हिरण। और ऐसी सेवा में निमग्न हो गए कि अब धीरे धीरे 2, 4, 5, 6 दिन जैसे जैसे व्यतीत हुए तो भरत जी को हमेशा उस शावक हिरण की हमेशा चिंता रहती कि आज सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कोमल कोमल घास कौन से वन में मिलेगी। वो अब समीधा इकट्ठा नहीं करते, समीधा बोलते हैं हवन की लकड़ियों को, आम की लकड़ियों को, वो समीधा इकट्ठा करने की इतनी चिंता नहीं रहती। उनको चिंता किसकी रहती? कोमल कोमल घास कौन से क्षेत्र में मिलेगी। वहां सुबह सुबह जाते और घास लेकर के आते, कोमल कोमल पत्ते लेकर के आते, उस शावक को खिलाते। अब तो शावक थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है इनको इतना प्रेम कि उसको अब हिरण नहीं कहते, कहते मेरा पुत्र है। हे पुत्र, क्या खाएगा आज? आज तेरे लिए कोमल कोमल में घास लाऊं या अच्छे अच्छे पत्ते लाऊं? इस तरीके से बातें करते। दूध दूध किसका पिएगा? मैं कोशिश करूंगा कि कोई हिरणी इधर आ जाए और तुझे दूध पिला दे, नहीं तो गैया का तो मैं पिलाऊंगा। ऐसे से बातें करते, मीठी मीठी बातें करते उससे, और इतना ममता बढ़ गई उससे कि अपने पुत्रों से कभी इतना प्रेम नहीं किया जितना उस हिरण से कर लिया। अब समय बीता, अब तो हरिनाम करते तो वो बच्चा जो है अब फुदक फुदक के उनके पास आने लगा, और पीछे से छोटे छोटे भी सींग निकले नहीं है, सींग निकलने की जब खाज होती है जैसे किसी हिरण या गैया या बछड़े को आपने देखा होगा, तो वो बहुत जोर जोर से ऐसे अपने सिर को किसी दीवार से, नहीं तो किसी बछड़े से, नहीं तो जो भी मिलता उससे रगड़ने का प्रयास करता है। तो वो हिरण आकर के पीछे ऐसे ऐसे उसको सिर से हिला करके उनके भजन को अवरुद्धता पहुंचाने लगा। अब तो भरत महाराज उसको एकदम से अंक में ले लेते, अपना भजन रोक देते, उसको प्यार करने लग जाते। और समय बीता, वृद्ध अवस्था आई। एक दिन वहां से हिरणों का झुंड आया, हिरणों का झुंड को देख करके देखा कि अरे ये तो मेरे समान जाति के लोग हैं, ये कौन है? और उनसे जाकर उनसे परिचय किया। परिचय होने के बाद तो उनका ही हो गया, और उस झुंड के साथ वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। यहाँ भरत महाराज की दृष्टि अब जो है इतनी अच्छी नहीं रही, थोड़ा थोड़ा उनको धुंधला दिखने लगा, वृद्धावस्था अंधापन दोनों एक साथ। और सुबह से वो जब बाहर आए कोमल कोमल घास लेकर के, तो देखा मेरा पुत्र नजर नहीं आ रहा। हे पुत्र, तुम कहाँ हो? क्या नदी के किनारे जल पीने गए हो? आ जाओ।
अरे उस पर्वत के नीचे खड़े हो आ जाओ। इस तरीके से उन्होंने जो है उस हिरण्यरूपी पुत्र को ढूंढना चाहा, लेकिन वो कहाँ है, वो तो चला गया हिरणों के झुंड में आनंद लेने के लिए। और उसके बाद वो जिस प्रकार से भी ढूंढने चले, अंधा होने के कारण मेरा स्मरण ना कर, तो अंत काल में वो उस भाव को भी प्राप्त होगा। तो अंत समय में भगवान का स्मरण तो भूल गए भरत महाराज, और किसका कर बैठे हिरण का। और मृत्यु का समय था, क्या हुआ, भाव क्या था हिरण का, तो उनको हिरण बनना पड़ा। अगला जन्म क्या हुआ, हिरण का उनको मिला। लेकिन भक्त थे, उच्च कोटि के संत थे, उनको पूर्व जन्म का स्मरण था, तो उन्होंने बोला कि मेरा जीवन पूरा व्यर्थ हो गया और अब मैं किसी भी प्रकार से साधु संग कर लूं। वो वहीं पहुंचे जहां भरत जी जप किया करते, पूजा किया करते, और वहां जाके वो हिरण बैठ जाता और साधु का कीर्तन पूजा इत्यादि हवन इत्यादि सब देखता बड़े प्रेम से। और समय जब बीता तो वो इतना विरक्त हिरण, क्योंकि कौन थे, भरत महाराज है, उसने खाना पीना सब त्याग दिया। जो वहां साधु रहते थे उस आश्रम में, उसको फल दे जाते, कोमल घास दे देते, वो लेकर पेड़ से जो कुछ गिर जाता पत्ता उसको खा लेते एक तो। और समय बीता, अंत समय में उन्होंने स्मरण किया साधु का, क्योंकि साधु थे ना वहां पर। क्या उन्होंने देखा समय में कि साधु भजन कर रहे हैं, तो उनको पुनः ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला। अब ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो उनको याद रहा कि मेरे दो जन्म बेकार हो चुके। एक जन्म में मैं महान राजा भरत था और हिरण की आसक्ति में मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। दूसरा जन्म मेरा पशु था, इसमें से भगवान का साक्षात्कार होना संभव नहीं था, लेकिन साधुओं का मैंने संग किया इसलिए मुझे पुनः ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। जैसे ही जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए, 5 वर्ष की अवस्था में इनके पिता ने सोचा कि इस बालक को भी मैं कुछ ना कुछ सिखाऊं, पर ये किसी से कुछ बोलते नहीं थे। और वो बहुत प्रयास करते हैं कि कुछ इसको संस्कार दूं, कुछ इसको ग्रामर सिखाऊं संस्कृत की, लेकिन वो बच्चा कुछ बोलता ही नहीं, हमेशा मूक दर्शक की तरह रहता, जहां देखता है शून्य में तो शून्य में देखता रहता, लेकिन वो देख रहा है शून्य में, लेकिन हृदय में क्या चल रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। इस तरीके से बोला, दो जन्म मेरे इस माया के चक्कर में खराब हो गए, इस बार मैं किसी के भी चक्कर में आऊंगा नहीं, चाहे वो मेरे माता पिता ही क्यों ना हो। तो वो कुछ सिखाना चाहते हैं कि वेद मंत्र सीख ले बच्चे, तेरी जीविका चल जाएगी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के वेद मंत्र नहीं आएंगे तो तेरे को कोई पूछेगा भी नहीं, और कुछ कार्य करने योग्य नहीं रहता ब्राह्मण। केवल पहले की बातें हैं, पहले तो ब्राह्मण बहुत ज्यादा पूजनीय अब भी हैं, और उनको वेद के जितने भी श्लोक हैं हवन इत्यादि तो आना चाहिए जिससे उनकी जीविका चल जाए, ये उनके माता पिता की इच्छा थी। तो लेकिन उन्होंने उस तरफ दृष्टिपात नहीं की, और समय बीता, बड़े चिंतित होकर के उनके जो पिता हैं वो चल बसे, और यहाँ उनके भाई जो कि उनकी भाभी, भाई तो फिर भी थोड़ा बहुत स्नेह रखते थे, लेकिन भाभी भाभी उनको हमेशा बासी खाना देना और उनका कोई ध्यान न रखना, और कहते खाका के मोटा मुस्टंडा हो रहा है, ये कुछ करता धरता है नहीं, इतनी जमीन पड़ी है उधर जाकर खेती कर ले। तो इस तरीके से उनको जो है काम करने के लिए बातें करते, और ये बड़े प्रसन्न होकर जो जैसा कहता वैसा करते। ये भक्ति विशेषता, जितना सरल होगा उतना बड़ा भक्त बन सकता है इंसान। श्रद्धा जो है, श्रद्धा यदि हमें अपनी बड़ी करनी है तो उतना सरल होना होगा। वो इतने सरल संत थे, जो जैसा कहता वैसा करने को तैयार। उन्होंने कहा जाओ खेती बाड़ी करो, तो वो खेती बाड़ी क्या करेंगे, उधर जाके बैठ कर हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और उन्होंने बोला अब एक काम करो, तुमने खेती तो की नहीं, अब जो है खेतियां मेरी बढ़ रही है, और चिड़िया आकर के गेहूं खा जाए और कुछ भी दाने खा जाए, दाल इत्यादि है, उनकी रक्षा करो जाकर। रक्षा क्या करेंगे, बैठे हैं भैया राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ आओ खाओ बार बार पेट। इस तरीके से उन्होंने पूरा खिलाया छका छका करके। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर भैया भी क्रोधित हो गए, क्योंकि पत्नी रोज उनको जो है समझा रही है किसी काम का नहीं, नालायक है, निपटू इसको भगाओ यहाँ से। तो वो जिस तरीके से भी उन्होंने उनको भगाने का
पूरा प्रबंध कर दिया और कहा भैया तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा अलग, हमें जाने दो और तुम यहाँ से प्रस्थान हो जाओ, यहाँ से चले जाओ तुम्हारी यहाँ कोई जगह। ये सुन के भरत महाराज बड़े प्रसन्न, आहा एक ये छोटी सी गांठ थी वो भी आज खुल गई, भैया की वजह से मैं रुक रहा था, भैया ने कह दिया तो हो गया काम। जय श्री राम। चल दिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब तो जहां पर इनको अच्छा लगता, देखो जनेऊ भी धारण किया हुआ है, फिर ब्राह्मण परिवार में है तो पिता ने जनेऊ करा दिया और बीच बीच में जब भी कुछ यज्ञ इत्यादि होते जनेऊ उन्होंने खेल के, लेकिन अब जब वन में चल पड़े, अब जनेऊ तो है लेकिन जो है उसको ना बदलने की चिंता है और ना ही किसी प्रकार के कर्म कांड में फंसने की चिंता है, इसलिए हरि नाम में मदमस्त होकर के हमेशा भाव विभोर रहते और इतना शरीर की तरफ भी उनका इतना आकर्षण नहीं था, पूरा शरीर में जो तेज उनके चेहरे पर है शरीर में थोड़ा थोड़ा उसको ढक के रखते, क्योंकि अब नित्य क्रम में उनकी इतनी भी वो नहीं थी कि पवित्रता भी जरूरी है, क्योंकि जब सिद्ध अवस्था हो जाती है व्यक्ति की तो वो अवस्था ऐसी होती है 24 के 24 घंटे भगवान के दर्शन, भगवान की लीलाओं का दर्शन, भगवान का स्मरण इसी में निरंतर बना रहता है। तो वो सारी की सारी चीजें साधक के लिए जरूरी है लेकिन सिद्ध के लिए कोई आवश्यकता नहीं। अब एक समय वहां से एक राजा की पालकी गई, राजा की पालकी गई तो राजा की पालकी के जो काहार थे उनकी एक की तबीयत खराब हो गई। तबीयत जब खराब हुई तो उन्होंने सोचा कि आसपास कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कि पालकी उठाकर चल सके राजा की। राजा जो है विचार कर रहे हैं कि इस अमुक गांव में जाकर ढूंढ करके आओ, कोई व्यक्ति मिल जाए तो हम उसको यहाँ लगा लें। तो उनके साथी जो कहार थे वो ढूंढने लगे तो यहाँ पर गाँव के बाहर ही एक मेड़ पर ये लेटे हुए आराम से चिंतन कर रहे प्रभु का, इनको उठा करके लेकर आए, चलिए आपको राजा ने याद किया तो चल पड़े, किसी की बात का अनादर नहीं किया, चल पड़े। और जा करके उन्होंने कहा ये महाराज है, महाराज ये मिले हैं हमें, हट्टे कट्टे हैं और मुझे लगता है पालकी उठाने में ठीक रहेंगे। तो सबसे आगे उनको जोत दिया गया। अब पालकी में जब जुते और पीछे जो कहा रहे वो चलने के लिए जैसे ही कहा पालकी में, तो पालकी उठा करके जब चले तो जहां कहीं भी चीटी मकौड़े इत्यादि दिखते तो वो एकदम से रुक जाते और पीछे से कार बहुत तेजी चल रही, एकदम ब्रेक सा लगता और राजा में पालकी में बैठा उसका सिर एकदम से पालकी टकराता और वो एकदम से परेशान हो जाता। ऐसे करते करते कई बार सिर फिर चोट आई राजा के, उन्होंने रोको एकदम से और कहा अरे तू इतना कमजोर हो गया है कि पालकी नहीं उठा सकता, तू तो जीते जीते मर गया। इस तरीके से 2-3 मोटी मोटी बातें कही तो भरत महाराज ने पहली बार अपना मुख खोला, कहा आपने जो बात कही मैं कमजोर हो गया और मैं जीते जीते मर गया, ये जो आपने जितने भी विशेषण दिए ये शरीर के विशेषण दिए, ये आत्मा के विशेषण नहीं है, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं कपिल महाराज के आश्रम में सत्संग सुनने जा रहा हूँ। तो उन्होंने किस लिए जा रहे हो? अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप तो सबके अंदर आप स्वरूप देख नहीं रहे हो, आप तो सबको शरीर में देख रहे हो, आज मैं रंग हूं आप राजा हैं, कल ये जो आपके कहार हैं अगले जन्म में ये राजा हो सकते हैं, आप कहार हो सकते हैं, किसकी गति कहाँ है? जब तक कर्म की गति में आज में लगा हुआ है, कर्म में लगा हुआ है तो कभी आप राजा हो जाते हैं कभी आप प्रजा हो जाते हैं, इसमें इतना अहंकार करने की आवश्यकता है। इतनी बात सुनी तो देखा अरे जड़ सा लगने वाला जो ब्राह्मण है ये तो सुंदर सुंदर बातें बोलता, एकदम चरण में जाकर के लोटपोट हो गया राजा। राजा ने उनसे पूछा कि हे प्रभु मैं आपके तेज को कुछ कुछ समझ पा रहा हूं, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि किस प्रकार से हमें अपना जीवन को सार्थक करना चाहिए। तब भरत महाराज ने उसको सुंदर सुंदर उपदेश दिए, देखो यदि अपना आत्म कल्याण करना है तो सबके हृदय में आपको परमात्मा के दर्शन करने चाहिए, तब जाकर के तुम्हारा प्रेम सबके समान, जब सबसे समान प्रेम होगा तब भगवान की भक्ति के लायक होगा। अभी इससे शिक्षा क्या मिलती है कि हम लोगों को अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, जो हमारे हृदय में आत्मा है परम पवित्र परमात्मा का ही अंश,
जो आत्मा है ये परम पवित्र है, और ऐसा ही आत्मा जो पवित्र है वो चाहे राजा है चाहे रंग है सबके हृदय में विराजमान। इस तरीके से जब ये भावना होगी तो निश्चित तौर से सबसे प्रेम करने का अधिकारी होगा और वही भक्ति कर सकता है। इस तरीके से उन्होंने सुंदर सुंदर तरीके से बताया। पद्म पुराण में लिखा कि इन्होंने पूरे अपने जीवन काल में सबसे बात नहीं करी और उस राजा से ही क्यों बात करी जो राजा रघुगण है। उसमें लिखा कि ये कि वही हिरण था जिसकी वजह से इनको हिरण बनना पड़ा, जिसको बड़े प्रेम से इन्होंने खिलाया पिलाया, इसीलिए उसका भी कल्याण करने के लिए थोड़ा बहुत जो है इनका हृदय कोमल हुआ था। तो ये सारी बातें हमें समझनी चाहिए। ऐसे ही एक बीच में लीला इनकी और है, जो जब ये वन में विचरण कर रहे थे तो एक दस्युराज जिसने ये प्रतिज्ञा की थी कि जब भी मेरे यहाँ कोई पुत्र होगा तो मैं नरबलि दूंगा। अब नरबलि के लिए इन महाराज जी को पकड़ के उनके दस्यु लेकर चले गए। काली का मंदिर था, जिस प्रकार से ठाकुर जी यहाँ विराजमान है वहां काली जी का विग्रह था और वहां पर बलि वेदी रखी थी। इनको ले जा करके अच्छे से बांध करके लेटा दिया और ये बड़े प्रेम से लेट गए, इतने सरल। और जिस प्रकार से तलवार लेकर के जैसे ही उनको मारने की कोशिश की गई, काली का शिव विग्रह मूर्ति एकदम फट पड़ी जोर की आवाज करके और उसमें साक्षात काली प्रकट हुई और बड़े विकराल रूप से उस खड़क को पकड़ करके उसी का जिसने पकड़ के काटने का प्रयास किया उसी की गर्दन काट दी और अन्य समस्त जितने भी वहां पर डाकू इत्यादि थे डाकू के सरदार की भी गर्दन काट करके गेंद की तरह जैसे हम लोग खेलते हैं बच्चे खेलते हैं उछाल उछाल कर खेलने लगे और फिर इनको खोल करके बड़े प्रेम से आशीर्वाद प्रदान किया और इन्होंने उनको प्रणाम करके वहां से चले गए। उसमें भी आसक्ति नहीं करी। यहां पर शिक्षा मिलती है अनन्य भक्ति की। काली माता वहां प्रकट है, अगर हमारे जैसा कोई लालची होता उन्हीं के चरणों में लोटपोट हो जाता है, माता मुझे अमुक अमुक भर प्रदान कर दीजिए, लेकिन नहीं, उन्होंने उधर भी अन्य मनस खो करके बस वहां से ऐसे चले गए जैसे इन्होंने हम पर कृपा तो की लेकिन इनसे आसक्ति इनसे भी नहीं रखनी, काली मैया में भी आसक्ति नहीं रखनी। तो जड़ भरत ने बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी है, उनको हमको श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और गुरुदेव का आशीर्वाद हो कि हम सबके हृदय में भी सरलता है, जीवन हमारा सरल हो, शुद्ध वैष्णव बने और सही प्रकार से हम भजन कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। Radha Ram ki, 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 Radha Ram ki,
Thank you.
दशम दश ग्यारह जन सलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकाबधौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। तमादि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान त्वस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभातु ठाकुर बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहनी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण अजन्मा होते हुए भी उन्होंने देवकी वसुदेव का कारागार में ठाकुर जी कल कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए आज हम लोग श्रवण करेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बनकर कैसे जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति डायरेक्ट भागवत ग्रंथ पढ़ते हैं उनको पूछो कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए थे, बता आप लोग कृष्ण कहाँ जन्म हुए, बोलो कहाँ पर। इसलिए भागवत को डायरेक्ट पढ़ो, आपको लगेगा कृष्ण मथुरा में ही प्रकट हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति महाप्रभु को धारा में आए उनको पूछो कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, और सबके सब बोलेंगे गोकुल में जन्म हुए। गुरु जी एक अच्छी बात कहते थे, बोले कोई भी ब्रजवासी
ये बात को स्वीकार नहीं करेगा कृष्ण मथुरा में प्रकट हो गई। बोले क्यों, आप लोगों ने बच्चे जन्म दिया होंगे, देना बच्चा जन्म देने के बाद नाड़ी छेदन होता है, नाड़ी काटती है, कौन काटती है, जो वृद्धा वृद्धा माता है वो नाड़ी को काटती है। इसलिए गुरु जी कहते थे ब्रजवासी बोलेंगे, अरे अपना आँखों से हमने देखा है, अपना हाथों से जब बच्चा का जन्म होता है जो नाड़ माँ के पेट को साथ में जुड़ी हुई रहती है, कहते अपना हाथों से हमने काटा, हम कैसे मान लेंगे कृष्ण मथुरा में जन्म हुए, कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, कहते कृष्ण गोकुल में जन्म हुए। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कहते नाड़ी छेदन से पहले जो दान होती है उसको अक्षय दान कहते हैं, सबसे बड़े दान। इसलिए जब कृष्ण जन्म हुए, नंद बाबा जब लाला को देखा इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि एक लाला के लिए उन्होंने कितने यज्ञ, कितने दान, कितने तीर्थाटन उन्होंने क्या नहीं किया। इसलिए नंद बाबा जब सर्वप्रथम अपना लाला का मुख दर्शन किए इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने संकल्प किया 20 लाख गैया में ब्राह्मण संतों को दान दूंगा और 7 तिल का पर्वत मैंने मखमल वाले कपड़े से ओढ़ करके मैं दान प्रदान करूंगा, उन्होंने संकल्प किया है। इसलिए कृष्ण कहाँ प्रकट हुए हैं, मथुरा में कंस के कारागार में, लेकिन जन्म कहाँ हुए हैं, गोकुल में। इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, आनंद किसको भयो है, नंद को आनंद भयो है। इसलिए हमारे भागवत से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विभिन्न श्लोकों को उद्धृत करके कहते हैं, बोले कहाँ कहाँ पर श्लोक है, बोले जब श्री कृष्ण जन्म हुए सुखदेव गोस्वामी 18 श्लोक में उन्होंने जन्म महोत्सव का वर्णन किया। इसका जो पहला श्लोक है, बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद महामना, कद नंदस्तु आत्मज, कद नंद के जो आत्मज मतलब आत्मा से जो जन्म हुआ है श्री कृष्ण, जब कृष्ण जन्म हुए श्री नंद बाबा महामना श्री नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, ये पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक है जब ब्रह्मा जी ब्रह्म स्तुति का जो पहला श्लोक है, बोले नव मिड्डते अभ्र वपुषे तड़िताम्बराय गुंजावतंस परिपीचलसत्मुखाय वन्य सजे कवल वेणु मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा क्या कहते हैं, बोले पशुप मतलब जो पशुओं को पालन करते हैं, क्या वसुदेव महाराज पशुपालन करते थे, कौन नंद बाबा, गैया कौन चराते थे, नंद बाबा, जो पशु को चराते थे से वो नंद बाबा, इनकी आत्मा से जो जन्म हुए है वो कौन है, श्री नंद के लाला है। जब गर्गाचार्य जब आए वो त्रिकाल दृष्टा ऋषि, जब उनको नामकरण किया उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब कुछ देखा, पर श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, बोले प्राग अयम वसुदेवस्य कोचित जाता तबात्मज, बोले नंद बाबा ये जो लाला है ना तेरा ही लाला है, लेकिन उसने कभी उन्होंने वसुदेव का भी लाला भयो है, इसलिए इसका एक नाम तो कृष्ण है ही है लेकिन इसका एक नाम श्री वासुदेव भी नाम पड़ेगा। बोले श्री वासुदेव भगवान की है, इसलिए कभी जब गोपी की गोपियों ने ब्रज की किनारा में बैठ करके जब गोपी गीत गाए उसका जो पहला श्लोक राधा रानी खुद क्या कहती है, बोले जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत तेरा राधा रानी क्या कहती हैं, हे श्याम सुंदर जब से तुमने गोकुल में जन्म लिया ना वृंदावन धाम का तो जय जयकार हो रहा था,
लेकिन तेने जन्म लेने पर ब्रज की विशेष विशेष महिमा बढ़ गया। इसलिए जन्म ना ब्रज, जब से तुमने जन्म ब्रज में जन्म लिए, बोले श्रयत इंदिरा, ये वृंदावन धाम लक्ष्मी की ये क्रीड़ा भूमि बन गई इसी वृंदावन धाम। इसलिए यहाँ पर राधा रानी स्वयं कहती हैं कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, कहते गोकुल में कृष्ण जन्म हुए हैं। इसलिए जब नंद महोत्सव को प्रारंभ करते हैं वहाँ पर भी श्री गर्गाचार्य भी, फिर वहाँ पर भी गर्गाचार्य कहते हैं रमा क्रीड़न अभूत नृप, हे राजा जब कृष्ण जन्म ग्रहण किया ये जो ब्रज भूमि ये रमा की क्रीड़ा भूमि बन गई है वृंदावन धाम। फिर मैया कुंती जब कृष्ण को स्तुति कर रही थी, मैया कुंती भी यही बात कहती हैं, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वहाँ पर भी श्री माता कुंती भी यही कहती हैं ये कौन है, बोले ये नंद गोप कुमाराय, ये नंद के लाला श्री कृष्ण चंद्र, बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए हमारे श्री जीव गोस्वामी श्री आनंद वृंदावन चंपू में कृष्ण है कर्णपुर कद बड़ी सुंदर ये कृष्ण का जन्म महोत्सव का वर्णन करते हैं। बोले कैसे, बोले श्री परिजन बाबा कहते इनके पांच बच्चे थे, परिजन मतलब होता है मेघ है, उनके पांच बच्चे थे उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंदन। जब उन्होंने बच्चों को शादीशुदा करवा दिया, बच्चे का शादी हो गए और उनका काम धाम में सब ठीक ठाक कर दिया, बोले और हमको घर गृहस्थ में जान बुझ करके टांग अड़ा करके नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि घर में भजन करना बहुत कठिन है। कोई सोच लेना हम घर में भक्ति कर लेंगे लेकिन चाहने पर भी भक्ति नहीं कर सकते हो, क्योंकि तरह तरह का समस्या, आज इसको हो गया, पहले बता रहा था ना बहू की शादी हो जाए, बेटा की बहू आ गई, नाती पोती हो गया, अगर भजन के लिए जाओगे पर बहू ताना मारेगी, फिर डोकरी घूमती रहती है, कोई काम धाम है ही नहीं। इसलिए घर में तरह तरह का, इसलिए पहले लोग क्या करते थे, कोई घर में नहीं रहते थे। अब रामायण देख लो, जिस समय दशरथ महाराज देखा एक दो बाल उनको पकना शुरू कर दिया, बोले और नहीं रहनी चाहिए, रामचंद्र को अभिषेक करते हुए वो जंगल जाना चाहते थे। श्री नंद जसोदा जितने बड़े बड़े राजाओं को देखोगे 50 साल के बाद में कोई घर में नहीं रहते थे, इसलिए उसको 50 के बाद अंक क्या आता है, 51, 52, 54 वृंदावन जा भजन कर, बन बन घर में नहीं रहना, वृंदावन में जा करके भक्ति करना वृंदावन में, क्योंकि ये जीवन का जो लक्ष्य है केवल भगवत प्राप्ति, और किसी काम के लिए ये मानव शरीर भगवान ने नहीं दिया। पांच बेटों को बुलाए, बोले तुम लोग अपना अपना काम संभालो, बड़े बेटे को राज सिंहासन में बैठा करके मैं भक्ति करना चाहता हूँ। बच्चे लोग बोले ठीक है पिताजी, बोले बड़े बेटा को सिंहासन में बैठा था, लेकिन बड़ा बेटा ने कहा राजा बनने का मेरे में योग्य नहीं, ये जो बीच वाला जो नंद है इसकी अंदर में राजा बनने का योग्य, इसको राजा विषय कर दो। सब लोग राजी हो गए, बोले बात सही है, क्योंकि इनका नाम नंद, नंद मतलब क्या, बोले आनंदयत इति नंद, सबको जो आनंद दे। राजा क्या करता है, प्रजा को अपना पुत्रवत देखता है, ऐसे नहीं जितना दिन गद्दी में बैठो उतना दिन को पैसा लूटो, लूट लूट करके अपना को परिवार को अपना और अपना परिवार बुकुरा भर दो। अभी यही सब हो रहा है ना, हैं सब अपना परिवार अपना को भरने लग जाते, जितना 5 साल में बैठे इतना लूटो, कितने पीढ़ी दम खाने का कोई कमी नहीं हो, क्योंकि ये राजा का काम नहीं है। राजा का काम है हर बच्चों को अपना बेटा समझे, हैं अपना बेटा समझ करके प्रजा को कैसे कल्याण हो, जैसे हमारे अभी मोदी जी आए हैं, इसलिए अपना बेटे प्रजा को ही अपना बेटे मान करके चले, बोले इसलिए इनका नाम नंद है, नंद मतलब आनंदयति इति नंद, जो सबको जो आनंद प्रदान करे कहते है नंद, बोले ये राजा बनने का योग्य, बोले बात सही है। तो उन्होंने उनको राजा अभिषेक करके चले गए, लेकिन चार बच्चों का तो संतान है लेकिन नंद बाबा का घर में कोई लाला नहीं, इसलिए उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने यज्ञ तपस्या किया लेकिन तब भी घर में लाला नहीं भरो।
अभी उन्होंने सोचा हमने हर बार व्रत को किया है लेकिन अभी तक एक व्रत नहीं रखा। कि नंद जसोदा सोच रहे हैं, बोले कौन सा, बोले एकादशी व्रत, बोले कौन सा एकादशी, बोले पुत्रदा, और उसका नाम ही पुत्रदा जो पुत्र को जन्म देती हैं। बोले चलो हम दोनों मिल करके ये पुत्रदा एकादशी को एक निष्ठापूर्वक करेंगे। उन्होंने ये पुत्रदा एकादशी को उन्होंने पालन किए, जब पालन किए जब सोए ठीक ब्रह्म मुहूर्त में दोनों स्वप्न देखते हैं। बोले क्या स्वप्न देखा, बोले आकाश में बिजली चमकती हुई एक श्याम रंग का बालक, उसको पीछे एक बिजली चमकती हुई एक कन्या अद्भुत सुंदरी। उन्होंने श्री नंद बाबा का हृदय में प्रवेश किया और इनके हृदय से फिर उन्होंने जसोदा जी के हृदय में प्रवेश किया। दोनों ने स्वप्न देखा, ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न देखो करी करी वो स्वप्न सही हो जाता है, इसलिए इनकी स्वप्न खुल गई। जब नींद खुल गई इतने में नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे मैंने एक सुंदर प्यारा स्वप्न देखा है। जसोदा बोले मैंने भी एक स्वप्न देखी, पहले आप बताओ क्या देखी। बोले मैंने देखा है बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुट मसो क्रीडांग मयाम लोक्यते। बोले हमने स्वप्न देखा, जसोदा कहती हैं एक सुंदर लाला मेरे पीछे 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 आकर के कपड़े पकड़ते हुए बोले मैया मेरे को गोद में उठा ले, मैया मेरे को दूध पिला ले। नंद बाबा देखते मैंने देखा तेरी गोद में सचमुच से एक सुंदर बालक बढ़ रहा था और किलकार मारते हुए स्तन पान कर रहा था, दोनों धार से दूध बहते हुए उसका कुर्ता भीग रहा था। उसी रात को ही मैया जसोदा उसने गर्भधारण की, पूरा ब्रज में हल्ला हो गया। बोले बाबा रे मैया जसोदा, एक उम्र होता है ना वो उम्र बीत जाने पर बच्चा फिर जन्म नहीं लेता है, लेकिन उसको उम्र के बाद में भी मैया जसोदा ने गर्भधारण की, पूरा ब्रज में हला हो गया। बोले श्री नंद के लाला की, बोले हमारे भविष्य में जो राजा बनने वाले श्री हैं भगवान जन्म ग्रहण करने वाले, अभी जो सुनंदा थी नंद बाबा का बेहीन तो 6 महीना पहले से घर में आकर जम करके बैठी गई। बोले क्यों, बोले भैया का लाला होएगा ना मेरे को नवला की हार मिलेगी, इसी चक्कर में 6 महीना पहले आकर बैठी गई जम करके हैं। और सारे घर का काम काज वही भाग भाग कर कर रही थी, और मैया जसोदा जो गर्भधारण करने पर जो कुछ लक्षण है वो सारे लक्षण उनके अंदर में दिख रही थी। एक होता है गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार का मतलब गर्भ में जो बच्चे रहते हैं ये माताओं को ध्यान देनी चाहिए, उस समय उल्टा पुल्टा डिस्को ध्यान से नहीं देखनी चाहिए, उल्टा पुल्टा पिक्चर मारपीट नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आप जो देखोगे ना वो बच्चों के ऊपर वही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इनको सुंदर सुंदर भगवान की छवि दिखाया जाता था, नारायण की भगवान राम की सुंदर सुंदर उनको छवि दिखाया जाता था, क्योंकि बच्चे के ऊपर अच्छे प्रभाव पड़े। गीता रामायण और वेद शास्त्र पढ़नी चाहिए। अभी इनकी एक गोपी ने बोली बोले मैया लगता है तेरे घर में लाला होगा। बोले कैसे, तो जो होठ है ना वो पीला पीला दिखती है। एक बूढ़ी बड़ी बूढ़ी गोपी बोली बोले तू कुआरी पने में जुड़वा के लिए तो नहीं खा ली थी। बोले क्यों, बोले लगता है तेरे पेट में 2 बच्चे हैं सचमुच, कृष्ण और जोगमाया ये दोनों ही संतान थे। अभी सारा दुनिया जय जयकार हो रहा है, भगवान कृष्ण लग रहा है, आज रात को ही कृष्ण जन्म लेने वाले है। इसलिए बोले एक काम करो, गांव में 8 बजे तक सब जगे रहते हैं, उसके बाद में सो जाएंगे, 2 घंटा 2 घंटा ड्यूटी लगाओ। जिनको 8 से 10 तक ड्यूटी लगाए बोले ढोलकी दे दो मजीरा, और उनको मजीरा दे दो और बैठ कर क्या करे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 I'm
अगरे भारी की जय, बनवारी की जय, मेरे भारी की जय, बनवारी की जय। लेकिन जिसको 10 से 12 बजे तक ड्यूटी लगाया ना, जोग माया सबको सुला दी, कहाँ चिमटा गिरी, कहाँ मजीरा गिरो, कहाँ ढोलकी गिरो, सब चितपा तो कर सो रही। इतने में वसुदेव महाराज कहाँ से आए, आए मथुरा से कृष्ण को लेकर के आए। और यहाँ पर दो बच्चे जन्म हुए, पहले कृष्ण, फिर जोग माया, फिर एक कृष्ण कहाँ गए। बोले जो गोकुल का कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म है, और जो मथुरा के कृष्ण ये अंश कृष्ण, इसलिए ये पूर्ण ब्रह्म कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने अंश कृष्ण को उन्होंने अपना अंदर में उन्होंने संभाल लिया। बोले ये एक सिद्धांत बताते हैं। और एक बात बताई, जब वसुदेव महाराज आ रहे थे ना कृष्ण को लेकर के, इतने में जमुना को बीच में हटा तो उन्होंने गिर पड़ा हाथ से। जब उन्होंने गिर पड़ा, गिरते ही उन्होंने क्या हुआ, वहाँ पर गिरते जो मथुरे से जो कृष्ण थे ना वो हो गए, फिर ब्रज का कृष्ण हो गए हैं। फिर उन्होंने वो ब्रज का कृष्ण को ला करके अरे यहाँ पर रखे। बोले ये एक बात है, और नहीं तो जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण मथुरे से कृष्ण को अपना शरीर में संभाल लिया। बोले कहाँ ये बात है। बोले शंकर जी रुद्र चामल एक ग्रंथ है, शंकर जी पार्वती को कहते हैं। बोले यशोदा नंद पत्नी च सुसुभाते समम तदा, यहाँ पर शंकर जी कहते पार्वती मैंने ये बात देखी है। बोले क्या देखा है। बोले यशोदा नंद पत्नी च सुसुभात समम तदा, मैंने देखा शंकर पार्वती को कह रहे हैं, एक साथ में उन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया, पहले कृष्ण फिर जोग माया है सांबिका मथुरा मगता। इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर मेघे सौदा में नहीं जाता, उदाहरण देते हैं जैसे आकाश में बिजली चमकती है, उसी तरह जो नंदनंदन कृष्ण ने जो देवकी नंदन कृष्ण को अपना शरीर में एक कर दिए। और यहाँ से यानी सांबिका मतलब जो अंबिका देवी मथुरा मगता, तो उन्होंने उनको मथुरा लेकर के उनको चले गए। लेकिन ये बात किसको पता नहीं चला। लेकिन नंद बाबा क्या सोचते हैं, लाला मेरो है, वसुदेव महाराज क्या लाला मेरो है, दोनों का ही लाला है, दोनों का ही, एक का अंश रूप में और एक का पूर्ण रूप में। इसलिए अभी अभी क्या हुआ, सबके सब सोए पड़े हुए एकदम सवेरे सवेरे सुनंदा की नींद खुली। बोले क्यों, उसको तो चैन नहीं पड़ रही, नवल्ला की हार मिलेगी है, लाला होगा तो नवल्ला की हार मिलेगा, इसलिए सवेरे सवेरे उसकी नींद खुल गई। बोले भैया भाभी का क्या हालत हो देखो, और देखा नीलमणि जैसे एक बालक श्री यशोदा की गोद में किलकारी मारते हुए खेल रहा है। आप लोगों ने बच्चे जन्म दिए होंगे ना, बच्चे जन्म दिए होंगे, इतना प्रसव पीड़ा होता है, पर भैया यशोदा को पता नहीं चला ये बेटा हुई कि बेटी हुई। कारण है जन्म कौन हुए हैं, बोले आनंद कंद रस स्वरूप भगवान आनंद हुए। साधारण बच्चे को जन्म दो, माताओं को प्रसव पीड़ा होता है, जहाँ पर ठाकुर जी स्वयं जन्म हुए उनको कष्ट नहीं होता है, उनको तो आनंद होगा। क्यों, भगवान स्वयं जन्म हो रहे हैं, वो आनंद से मैया यशोदा को मानत थोड़ी सी मीठी मीठी थोड़ी सी दर्द हुई, इसलिए मैया सो गई थी, मैया पता नहीं पड़ा क्या बीच में हुआ नहीं हुआ। इसलिए सुनंदा ने जब देखा लाला किलकारी मारते हुए खेल रहा है, बोले भैया पहला ये खबर नंद बाबा को देनी चाहिए, क्योंकि मेरे को नवल्ला की हार मिलेगी। बोले ढूंढो कहाँ पर, देखा ब्रह्मांड घाट में बैठ करके माला सटका रहे थे, माला जप नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में छोरा कब है गो, छोरा कब है गो, लाला कब है गो, यही सोच रहे थे। इतने में सुनंदा बोल दिया, बोले भैया कमाल है गए, हे इतना बोलते नंद बाबा तो छलांग लगा दिया। बोले बहन कहा भयो है, बोले बताओ पहले 6 महीना से मैं बैठी हूँ हैं, नवल्ला की हार की चक्कर में, बताओ पहले मेरे को क्या मिलोगे। बोले ले नवल्ला की तो हार ले ले, बताओ पहले क्या हुआ। बोले भैया बात इतने बड़ी, जिसको सामने ये नवल्ला का हार भी कुछ नहीं। बोले क्या बोल रहे हो, ये नवल्ला की हार है, देखो उसी समय बड़ा कीमत, अभी तो लाख की इतना कीमत नहीं, उस समय लाख मतलब कोई साधारण बात नहीं। बोले नवल्ला की हार, बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी, बताओ क्या दोगे। बोले ले जमुना किनारे में जितने जमीनी जगह थे ना, सब गैया चरते, तेरे नाम पर लिखा दिया, बताओ और क्या भयो। बोले भैया वो भी कुछ नहीं, बात बहुत बड़ी। बोले क्या बोल रहे हो, सारे जमीनी जगह थे नवल्ला का हार, बोले और कमी
बोले और क्या दो, ले ट्रेजरी का चाबी का तू ले ले, जो लेना अपना मन मर्जी निकाल लेना, लेकिन बताओ तो सही घर में कहा भयो है। बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है। बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। इसलिए सारी कथा को नोट करनी चाहिए, फट लेगा ना चक्कर में ये सारी कथा। इतना इतना साल हो गया कोई कथा खड़े करने का कोई कथा याद नहीं, इसलिए हाँ इसलिए अगली बार तुम कथा करना है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इसलिए नंद बाबा तो वहीं से दौड़ लगाए, और जब उन्हें लाला का मुख दर्शन किया, उन्होंने संकल्प किया 20 लाख गैया दान दूंगा, 7 तिल के पर्वत दान दूंगा, पहले संतों को ब्राह्मणों को बुलाओ, बच्चों को आशीर्वाद दे, सब के सब आशीर्वाद दे रहे थे। बोले ओम स्वस्ति न गोविंद स्वस्ति न अच्युतानंद स्वस्ति न वासुदेव विष्णुर दधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगल केशव महान श्री कृष्ण सचिदानंद घन। बड़े सुंदर स्वस्ति वाचन पढ़ करके लाला को आशीर्वाद दे रहे थे सबके सब ब्रजवासी। इतने में बोले जाओ सारे ब्रज गोपियों को नौता दे दो, ब्रजवासियों को सबके सब स्वागत करने के लिए आए। और गोपियां तो 6-6 महीना पहले 84 गज के लहंगा चुंदरी बना करके रखे थे, वो बड़ी सुंदर श्रृंगार करके दूध दही मक्खन लेकर मटकी में अरे बड़ी आनंद से आ रही थी। जब आ रही थी बोले गोप्य समिष्ट मणि कुंडल निष्कंठ, कान में सुंदर कुंडल पहनी रखी थी, वो कुंडल तो बड़े जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों? बोले तुम लोग को पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो, हम जाकर के लाला को बधाई दे। और चोटी में जो सुंदर सुंदर माला की श्रृंगार की थी और एक एक गिर करके गोपियों के चरण में गिर रहा था। बोले क्यों? बोले कृष्ण को जो बधाई देने जा रही हैं उनकी चरण की पूजा करनी चाहिए, अगर हम नहीं गिरे जब गिरेंगे ब्रज राज्य में मिलेंगे, जब कृष्ण बड़े होने पर ठुमुक ठुमुक करके चलेंगे ब्रज में उनका चरण का स्पर्श हमें प्राप्त होगा। अभी जितने ब्रज जब ब्रजवासी आ करके नंद जसोदा को बधाई दे रहे थे, मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, आप लोग बोलना जोर से एक साथ में दोनों बोलना, बोले मैया जसोदा बधाई हो, मैया बोली बधाई हो, बधाई हो ब्रज गोपियों, ये बुढ़ी उम्र में भी लाला का मुख दर्शन करने को मेरे मिलो है। लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम लोगों का लाला है। और जितने ब्रजवासी लाला को आशीर्वाद दे रही थी, बोले जुग जुग जी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, तेरो ललना, मैया तेरो ललना, तेरो ललना, तेरो ललना। सब देखो जो बड़े बूढ़ों को हृदय से जब कोई चीज आशीर्वाद रूप में निकलना वो जरूर फलीभूत होती है। इसलिए पहले क्या होता था, सवेरे उठ करके बच्चे लोग पिता माता को चरण छूते थे, चरण छो तो अपने आप हृदय से आशीर्वाद निकलती है। इसलिए सबके सब हृदय से आशीर्वाद सबके सब दे रहे थे और सबके सब आ गए। लेकिन अभी तक श्री कृतिका सुंदरी श्री वृषभानु महाराज नहीं आए, अगर ये आई जाए ना फिर ये उत्सव प्रारंभ होएगा। देखते देखते दोनों ने प्रवेश किया और कृतिका सुंदरी तो रानी सज धज करके एकदम 16 श्रृंगार द्वादश अलंकार पहन करके सर पर मटकी दूध दही मिश्री लेकर के प्रवेश की। अभी प्रारंभ होएगी, एक गोप ने एक लठिया लेकर के मटकी में मारी, मारते ही मटकी तो फूट गई और एकदम दूध दही से मैया
श्री कृतिका सुंदरी स्नान कर ली, फिर तो जो दही में हल्दी और घी मिला करके एक दूसरों के ऊपर में लगा रहे थे और वहां पर इतने कीच कीच हो गया, फिसल फिसल करके एक दूसरे के ऊपर में गिर रही थी और डेले को डेले मक्खन उठा उठा करके एक दूसरे के ऊपर में फेंक रही थी। एक बूढ़ी माता जी 100 साल की, एक दांत नहीं थी, वो तेज से देख रहे थे, बोले भैया बड़े जोर के नंदम महोत्सव है रहे। एक गोप ने किया क्या, उठाया कि मक्खन की डेला और उसका मुंह को नजर करके उसे मारे ना, एक भी दांत नहीं थी और मुंह में लगा तो सीधा अंदर में सटक गया। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं, हैं? इसलिए अभी उनका आंगन बहुत बड़ी आंगन थी, इतने दूध दही लाए पूरा जैसे समुद्र खीर समुद्र वहां पर बन गया। नंद बाबा बैठ बैठ करके देख रहे थे। गोप ने कहा आज तेरे घर में लाला भयो है, अरे कम से कम आज का दिन थोड़ा तो नाच ले। उनको जोर जबरदस्ती पकड़ करके उन्होंने बीच में ले आए और कमर जो फेटा बांध कर रखते एक तरफ में नंदगांव के गोप, दूसरे तरफ में बरसाना का गोप है। इसका मतलब है ये दोनों ही निर्गुण। और कल जो समुद्र मंथन की कथा सुन रहे थे जिसमें देवता दैत्य मिलकर के मंथन किया, कहते कि रजगुणी ये तमोगुणी और ये निर्गुण, कहते कितना रत्न मिला यहाँ पर। बोले रामा क्रीड़न अभूत नृप, उन्होंने इतने धन दौलत उन्होंने दी, ब्राह्मण लोगों तो हीरे जवाहरातों को गठली में बांध बांध करके नहीं ले पा रहे थे, उसकी कोने से गिरते 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 जा रहा था। ऐसे लग रहा था माँ लक्ष्मी अली गलियों में माँ लक्ष्मी नृत्य कर रही थी। वहां पर श्री भोले बाबा भी आए थे, वो भी चक्कर में पड़ गए। बोले क्यों, जिन्होंने 20 लाख गैया जिन्होंने दान दी। बोले भैया भूल से मेरे नंदी को भी गैया मान करके दान में नहीं दे दे। शंकर जी पूछ को खड़े खड़े पकड़े खड़े हो गए। वहां पर मैया देवी भी आई थी, उसका भी 2 लाला है, कौन है, गणेश और कार्तिक। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, कहते उन्होंने इतने हाथी घोड़े प्रदान किए, वो भी डर गई। बोले क्यों, बोले हो ना हो मेरे लाला को गजानन मान करके हाथी मान करके दान में नहीं दे दे। उन्होंने गोद में उठा करके अपना हृदय में चुपका ली उनको। वहां पर कुबेरे भी आए थे, धन कुबेर, जिन्होंने वो भी चक्कर में पड़ गए। बोले क्यों चक्कर में पड़ गए, बोले इतना दान नंद बाबा दे रहे हैं, मेरे पास में भी इतने धन दौलत है नहीं, इसलिए सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया आनंद के आदोरी जय कन्हैया बधाई नंद के आनंद भयो जय कन्हैया जय जय कन्हैया लाल की आखी गोरा जय जय कन्हैया लाल की आखी गोरा नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की आखी गोरा जय जय कन्हैया लाल की आखी जय जय कन्हैया लाल की बोला नंद के लाला की। बता की क्या लाइट चली गई है, नहीं और कोई चटनी और को जले भी सिरा
गया। जब ये रात जो है यशोदा मैया ने जब कन्हैया को लाला को जन्म दियो तो कैसी रात थी? रबड़ी सी रात थी। हाँ ये गोपाल ये लड्डू गोपाल जी है। देखो जाना रबड़ी पाई होगी, रबड़ी को स्वाद भाई है पता भैया वो को पता हो क्या है भंडारे प्रसाद में रबड़ी मिल रही है। तुम Yeah.
Thank you.
देखो अभी हम चलते हैं मथुरा में, कहाँ चलेंगे? मथुरा। मथुरा में अभी तक गोकुल में, जिस समय में श्री वसुदेव महाराज कृष्ण को गोकुल में रख करके वहां से बेटी को लेकर के आ गए और अंदर प्रवेश करते ही अपनी आप हथकड़ी बड़ी पड़ गई, अपनी आप दरवाजा बंद हो गए और जितने पहरादार थे सब के सब जग गए। कैसे? इसका तात्पर्य क्या है? जब उन्होंने भगवान को अपना सर पर रखे उस समय क्या हुआ, हथकड़ी बड़ी खोल गई थी, दरवाजा खोल गया था, पहरादार सो गए थे। इसका तात्पर्य यह है जब हम कोई काम करेंगे भगवान को आगे रख करके, ठाकुर को आगे रख करके, क्या होगा, हमारी भी संसार की जितने बंधन हमारे भी टूट जाएगी। लेकिन जब फिर माया को उन्होंने अंदर में ले आई फिर क्या हुआ, अपने आप सब बंद हो गया। जब भगवान को आगे रखेंगे क्या होगा, खुल जाएगी। जब माया को अंदर में करेंगे फिर क्या होगा, बंधन में फिर हम पड़ जाएंगे। अभी इतने में वो जो छोटी बच्ची ने उसने रोना प्रारंभ की और रोना सुन करके पहरादार जग गए। कंस को बोले तेरे काल ने जन्म ले लिया। कंस भागते भागते आया, देखा वहां पर बेटा नहीं बेटी। इतने में देवकी कहती हैं अगर बेटा होता तो मारता है, तो बेटी आए थोड़ी तेरे को मारेगी। बोले बेटा क्यों बेटी क्यों नहीं हो, आकाशवाणी हुई थी अष्टम गर्भ का संतान मेरे काल बनेगा। अभी तक तो वो जोग माया थी, कंस स्पर्श करते ही महामाया हो गया। जब उसको पछाड़ने के लिए गया और उसका चरण में एक ठोकर मारी और वहीं पर कंस लुढ़क करके गिर गया और अष्टभुजाओं को धारण करते हुए बोले तुम मेरे को क्या मारोगे, तेरे मारने वाला तो तेरे को अन्यत्र जन्म ले चुका है। वो भी सच बता दी, कृष्ण गोकुल में ही जन्म हुए हैं। कंस जितना अपना अनुजायों को बुलाए बोले क्या करनी चाहिए, पुतना खड़ी हो गई। बोले भैया मेरा नाम ही पुतना है। पुतना मतलब क्या, पुतना जिसका पुत्र नहीं, ये मेरा नाम ही पुतना, पर ये पुत का क्या काम का? इसलिए मैं अपना मन मर्जी रूप धारण कर सकती हूँ। कहीं तेरे शत्रु जन्म होगा एक महीना अंदर में तो होगा। बोले हाँ बहन। बोले चिंता मत कर, सबको मैं खत्म कर दूंगा। इतने में पुतना तो सीधा कहाँ पर आ गई, पुतना सीधा आ गई गोकुल में आ गई, वृंदावन में आ गई। माइक ले लो। इसलिए वृंदावन में आ गई। तब यहाँ पर हमारे टीकाकार लोग प्रश्न करते हैं, कहते ये जो पुतना, पुतना के एक नाम होता है पुतना, पुत मतलब होता है पवित्र और नाम मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं जो अपवित्र। कहते ये अपवित्र कहाँ प्रवेश करती हैं? बोले नजत्र श्रवणादिनी रख्य ज्ञान स्वकर्म। हाँ ध्यान देकर सुनो, वहीं पर ये पाप, यहीं पर ये अपवित्र, वहीं पर डाकिनी साकिनी वहीं प्रवेश करती है। कहाँ पर? जिसकी घर में प्रभु का पूजा पाठ नहीं, घर में कीर्तन नहीं, उसको घर में प्रवेश करेगी। अगर तुम्हारे घर में कीर्तन हो पूजा पाठ हो ना, फिर तेरे राक्षस से डाकिनी साकिनी तुम्हारे घर में कोई भी घुस नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न होता है, यहाँ पर तो आनंद कंद भगवान कृष्ण जन्म हो गई, फिर ये पुतना की कैसे साध्य हो गई, हाँ हिम्मत हुई प्रवेश करने के लिए? बोले ये भगवान कृष्ण की इच्छा। बोले इच्छा क्या है? बोले जब तो देखो चैतन्य अरी से सब चैतन्य लीला पुष्टिकारी, मतलब है भगवान के जितने शत्रुओं को देख रहे हो ना, एक तरह से तो बाहर ये दिखता है शत्रु, लेकिन दूसरे रूप में देखोगे ये भगवान के मित्र। बोले क्यों? रावण नहीं आता रामायण होता, बोलो कंस नहीं होता, फिर ये कृष्ण लीला होता, जगाई माधाई नहीं होते, महाप्रभु का इतना महिमा बढ़ता, ये पुतना नहीं आती कथा कहाँ से सुनते, अगासुर बकासुर नहीं आते कथा क्या सुनते। एक तरह से देखो जैसे ये लगते हैं शत्रु, लेकिन दूसरे तरह से देखोगे ना ये भगवान के मित्र सबके सब, भगवान की लीलाओं को ये पुष्टि कराने वाले। अभी हमारे श्री चैतन्य चंद्र प्रभु, इसका नाम चैतन्य चंद्र है, इसलिए अभी आपको भगवान कृष्ण कैसे पुतना को बद्ध किए प्रभु जी इसी विषय पर सुनाए। ओम अज्ञान तिमिरां नस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। अनाघ्रातं भृङ्गै रणपहत सौगन्ध
सच्चिदानंद सरसू यशोदाया क्रोड़े कुपलयामी बहुजास्तद भवे। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर महाराज जी के चरणारविंदों में कोटि कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव श्री पाद श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। श्री गौरांग महाप्रभु समेत समस्त परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जय युक्त है। आप यहाँ पर समस्त उपस्थित वैष्णव वैष्णवी आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री पाद श्री महाराज जी की आज्ञा है कि जो इन्होंने मुझको मुझ पर कृपा करके जो इन्होंने मुझे पढ़ाया है वो मैं आपको इनकी कृपा से कुछ सुना पाऊं। महाराज जी ने बता दिया आपको पूतना आ रही है। कंसेन प्रेषित घोरा पूतना बाल घातिनी, ये कंस के द्वारा प्रेषित हुई है और ये बाल घातिनी है। जब ये पूतना ब्रज में आई है तो कैसे आई है? ताम केश बंध रति सत्य मल्लिकाम, ताम केश बंध रति सत्य मल्लिकाम, बृहनितंब मदकच्छ मध्यमाम, सुभाषितं भूषण कर्ण योषित यसुल्यसत कुंडल मंदितानाम, वलगुस्मृता पांग विसरज विक्षितैः मनोहरंतिं बनका प्रजौकसाम। सुखदेव जी लिख रहे हैं, जब ये आई तो इतना सुंदर सा श्रृंगार करके आई। जब ये पूतना ब्रज में आई तो महाराज ये ऐसा दिव्य सुंदर श्रृंगार करके आई। टीकाकार लिखते हैं, जैसे दो बादलों के टकराने से जिस बिजली का प्रादुर्भाव होता है, महाराज इसने उसको बलात वहां से निकाल करके और अपने केशों के ऊपर सुशोभित कर लिया। समस्त फूलों की लालिमा को इसने बलात वहां से खींच करके और अपने होठों के ऊपर सुशोभित कर लिया हो। सिंगनी की मदमस्त चाल को इसने बलात वहां से खींच करके और अपनी कमर में सुशोभित कर लिया हो। सरस्वती के सप्त स्वरों को इसने बलात वहां से खींच करके और अपने पैरों में नूपुरों के रूप में सुशोभित कर लिया हो। दो बादलों की काली मां को इसने बलात वहां से खींच करके और महाराज अपने आंखों में कज्जल काजल के रूप में सुशोभित कर लिया हो। जूही केतकी मौली श्री श्री चंपा पाटिल इत्यादि पुष्पों की दिव्य महक को इसने बलात वहां से निकाल करके और महाराज पर सुशोभित कर लिया हो। सप्तस ऊपर आकाश में उदित जो दिव्य चंद्रमा है, चंद्रमा की सप्तक कला है, जो षोडश कला चंद्रमा की, उसने बलात वहां से खींच करके और अपने कंठ में कंठाहार के रूप में सुशोभित कर लिया हो। आकाश में दिव्य तारों को उसने बलात वहां से खींच करके और महाराज अपने ऊपर सुशोभित कर लिया हो। कटी किंकड़ी कुरन करती हुई, हाव भावों को प्रकट करती हुई, मंद मंद मुस्कुराती हुई, ढलाती हुई पूतना ब्रज में पधारी। जब पूतना ब्रज में आ गई तो सारी नंद महल में प्रवेश किया इसने तो सारी गोपियों ने इसको रास्ता दे दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात भुवन सुंदरी रमा वैकुंठेश्वरी साक्षात लक्ष्मी जी अपने प्रियतम से मिलने आ रही हो। ओ महाराज, जैसे ही इसको इस रास्ता दिया तो ये अंदर चली और इतनी लहराती हुई पूतना ब्रज में आई है। और महाराज जब इसको कोई प्रणाम करता तो ये अपने कमल में हाथ में कमल को घुमा करके मानो उसको आशीष प्रदान कर रही हो। जब इसने लाला को देखा, श्री लाला जो है वो लेटे हुए थे, तो जब इसने लाला को देखा, श्री कृष्ण को देखा, तो इस पूतना को देखते ही श्री कृष्ण ने अपने नयन बंद कर लिए, अपनी आंखें बंद कर ली। अब इसने श्री कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद करी, इसके पीछे बहुत कारण है। सबसे पहले श्रीपाद वल्लभ आचार्य जी का कारण, क्योंकि ये पूतना अविद्या है और भगवान विद्योत्पुंज है, भगवान के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, इस कारण से श्री भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कारण, श्री भगवान के एक नेत्र चंद्रमा है, एक नेत्र सूर्य है, तो मानो दोनों के दोनों नेत्र बंद हो गए, यानी सूर्य लोक भी बंद हो गया, चंद्र लोक भी बंद हो गया, कि प्रभु आपको जहां इसको भेजना है वहां भेज देना, पर हमारे लोक में मत भेजना। तीसरा कारण ये क्या है महाराज, ये अविद्या अज्ञान है और भगवान
सावली को ग्रहण नहीं किया है, इसलिए इसको देखना अपराध है, इसलिए भगवान ने बंद कर दिया। और अन्य अन्य प्रकार के कारण हैं। एक कारण यह है कि मानव भगवान पूतना को देख करके नयन क्यों बंद कर रहे हैं, क्योंकि मानव वो भगवान शिव को याद कर रहे हैं कि प्रभु अब ये कालकूट जो लगा करके लाई है स्तनों पे और ये मेरे को जब पिलाएगी तो वो विष निकलेगा, तो प्रभु आपको तो पुराना अभ्यास है विष पीने का, तो आप विष आप पान कर लेना, दूध दूध मैं पान कर लूंगा, क्योंकि ब्रज में तो मैं दूध दही माखन खाने आया हूं। जब 14 रत्न निकले थे लक्ष्मी का शुभ पारिजात का सुरा धनवंतरि चंद्रमा धेनु काम दुगा सुरेश्वर गजो रंभाच देवांगना अश्वो सप्तमुखो विषम हरिधनु शंखम मृतम चाम्बुदे रत्ना नीति चतु दशम प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम, उसमें से एक रत्न विष निकला था, तो पीत हलाहल पी महेश ने कियो जगत कल्याण, श्रीपाद तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो वही अभ्यास आपको पूर्ण अभ्यास है ना, आपको पूर्व पुराना अभ्यास है, तो प्रभु आप उस विष को आरोग लीजिएगा। और कारण है, और एक कारण है कि भगवान आग बंद करके सोच रहे हैं कि ये कौन है, तब ये पता चला श्री भगवान को ये पूर्व जन्म में बलि की पुत्री रत्नमाला है। जब वामन भगवान आए स्वस्ति स्वागत मर्ते हम किम देहिता मेदनीम कामात्रा मम विक्रमत्रयमिदं, जब आए हैं तो कहा है हे राजा मुझे 3 पग भूमि दे दे, तो भगवान ने भगवान को देखते ही उनकी पुत्री जो रत्नमाला है बलि की वो इन पर ऐसे मोहित हो गई कि कहा काश ऐसा बालक मेरा होता तो मैं इसे दूध पिला। तो भगवान तो महाराज सर्व कारण कारणम जो है भक्तवंशा कल्पतरु हैं, बलि श्रेष्ठ भक्त हैं, तो उनके उनकी जो आत्मजा है पुत्री है तो उनकी कामना पूरी करने के लिए भगवान ने कहा एवं अस्तु इस कारण से। लेकिन जब भगवान ने त्रिविक्रम होकर के सब कुछ नाप लिया, 4th भुवन नाप लिए, समस्त लोगों को भगवान ने नाप डाला, छल किया, तो इसने कहा रत्नमाला ने कि यदि ऐसा बालक मेरा होता तो मैं इसको विष दे देती। तो भगवान ने वह भी स्वीकार किया, कहा एवं अस्तु। इसलिए मानो भगवान याद कर रहे हैं कि यही वह ये रत्नमाला ही आ गई है। अन्य अनेक प्रकार के कारण हैं। एक कारण श्री गर्ग संहिता में है कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, क्योंकि भगवान के दोनों नेत्र साक्षात महर्षि निमि हैं। तो मानो ये पूतना ऐसी भयानक दिख रही है कि निमि ने अपने नेत्र बंद कर लिए कि इसको देखना अपराध है। ये और भी कारण है, पर संक्षिप्त कारण व्याख्यायाम अहम करिष्ये। तो फिर क्या हुआ, भगवान ने नेत्र बंद किए, फिर पूतना ने आज्ञा ली क्या मैं इसको गोदी में ले लूं, यशोदा मैया उन पे मुग्ध हो गई और महाराज उसको गोद उसको पालने से श्री गोविंद को उठा करके और पूतना की गोदी में दे दिया। पूतना बाहर ले गई उसको और बाहर ले जा करके अपनी निजकंचुकी को ऊपर करके निजस्तन भगवान श्याम सुंदर के मुखाम भोज में प्रस्तुत किया। चुसुर चुसुर करके श्री भगवान दूध पी रहे हैं, चुसुर चुसुर करके श्री भगवान इसकी पाप राशियों को पी गए, इसके क्षेम को पी गए, महाराज इसके समस्त अपराधों को पी गए, इसके कलुष को पी गए, क्लेश को पी गए, किलमिश को पी गए, इसके पूर्व कृत्यों को पी गए। लेकिन जब इसके प्राण पीने लगे श्री भगवान तो ये जोर से चिल्लाई समुंच मुंचा विभर प्रभाषिनी, अरे मुझको छोड़ दे, मुझको छोड़ दे, मुझको छोड़ दे, छोड़ दे। तो भगवान ने कहा माता मैं पकड़नो जानू पर छोड़नो नहीं जानू, मैं पकड़ना जानता हूँ छोड़ना नहीं जानता। पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन किसी को पकड़ लूं तो फिर उसको कभी छोड़ता नहीं। श्री भगवान का यही तो है कि एक बार बस प्रभु, एक बार प्रभु कह दे, एक बार कोई कह दे कि प्रभु आप मेरे हैं। तुलसी कहते हैं कि कब राघव तुम कही है कि तुलसी तू मेरो है, कि कब कहोगे प्रभु आपकी कि तुलसी तू मेरा है। एक बार भगवान ने अंगीकार कर लिया फिर तुम चाह करके भी नहीं छुड़वा सकते। इस कारण से महाराज पूतना के जब प्राण खींचने लगे तो भगवान ये बहुत जोर से चिल्लाई, तो भगवान ने क्या किया, भगवान उसको ले करके और महाराज ऊपर भगवान ने उसको लिया और कंस के बगीचे में फेंक दिया। कंस के बगीचे में क्यों फेंका, चक्रवर्ती बात लिख रहे हैं, क्योंकि कंस के बगीचे में दिव्य दिव्य बढ़िया बढ़िया फल हैं, बढ़िया बढ़िया औषधियां हैं, तो यदि वो औषधियां किसी दुष्ट के लिए है तो वो सारी व्यर्थ हैं, तो जो औषधि और जो फल श्री कृष्ण के लिए नहीं है तो वो भगवान कैसे सहन करें। इसलिए भगवान ने उस पूतना को उसी बगीचे में पटका। महाराज
जब इसको पटका है पूतना को, तो इसके ऊपर इतनी जोर से आवाज हुई है, सारे ब्रजवासी भागे हैं, और ब्रजवासी के भागने पर देखा कि पूतना के ऊपर श्री गोविंद विराजमान है। आज पूतना की शोभा देख करके बड़ी बड़ी ब्रह्माणी रुद्राणी और महाराज परा लक्ष्मी इत्यादि रंभा शची इत्यादि देख करके महाराज श्री गोविंद पर और पूतना की इस दृश्य पूतना की इस झांकी पर बलिहार है कि धन्य है कि किसी के गले में कौस्तुभ मणि का हार है, किसी के गले में पद्मराग मणि का हार है, किसी के गले में विद्युत मणि का हार है, लेकिन धन्य है पूतना, आज नीलमणि बनकर के श्री गोविंद तेरे कंठ में विराजमान है। श्री भगवान की दिव्य झांकी पूतना की दिव्य झांकी का कौन वर्णन करे। महाराज ऐसे ही जब इसके ऊपर तो सारे ब्रजवासी भागे हैं, इसके ऊपर सीढ़ियां, इतना बड़ा शरीर, तो महाराज जैसे तैसे करके श्री लाला को लेकर के नीचे पधारे हैं। जब नीचे आए हैं श्री भगवान को लेकर के, तो सारे के सारी गोपियां श्री भगवान को लेकर के दिव्य गौशाला में जाती हैं। जब गौशाला में पहुंची हैं, तो सारी गोपियों ने सोचा है कि ये इतनी भयानक राक्षसी है कि हमारे लाला पर कोई टोटके ना हो गए हो, हमारे लाला पर कोई अला बला ना हो गई हो, इसलिए श्री गौ माता के दिव्य पूंछ से उनको झाड़ा दिया है। अव्या अजम भ्रिमणिमा स्तनजन स्तव जन्म थोरु यज्ञोचितम कटिजटम जठरम हयस्य यत्केश वस्तु दुरीश इनस्तु कंठम विष्णुमुखम मरमुरु क्रम ईश्वर क्रम चक्र कदो हरिस्तु पश्चात्पार्शयोर्धनुषीमुहाजनश्चकुपेन्द्रनाश्चक्षम्यो इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वधु श्वेतदीपतिश्चित्त मनोयोगेश्वरो व्रतु। अरे कृष्णीगर्भस्तु ते बुद्ध्यात्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविंदं शयानं पातु माधवः। भगवान के दिव्य नामों का प्रभाव देखो, पूंछ से गाय की श्री कृष्ण को ही श्री कृष्ण के नाम से झाड़ा दिया जा रहा है। भगवान के नाम की कैसी सुंदर विशेषता है कि जो आनंद कंद श्री गोविंद समस्त समस्त किलविशों को समस्त महाराज सारे की सारी विपत्तियों को हरण करने वाले हैं, उनकी ऊपर जो विपत्ति है उनका हरण उनका दिव्य पावन नाम कर रहा है। ये दिव्य नाम की महिमा है। गोविंद भगवान मेरे लाला की उदर की रक्षा करे, हलधर भगवान हलधर ईश्वर क्रम, हलधर भगवान मेरे बच्चे की बाहु की रक्षा करे, चक्रधर भगवान मेरे लाला की ठोड़ी की रक्षा करे, और महाराज गदाधर भगवान मेरे लाला की जंघा की रक्षा करे। ऐसे दिव्य जो है, ऐसे दिव्य सूत्र से, ऐसे दिव्य भगवान की नामावली से जो है गोपियों ने श्री कृष्ण को झाड़ा दिया है। जब श्री कृष्ण को झाड़ा दे दिया तो महाराज ये जो पूतना इतनी भयानक थी, इसके टुकड़े टुकड़े करके जब जलाया गया ब्रज में, तो ऐसी दिव्य सुगंध उत्पन्न हुई है जैसे मानो कोटि कोटि अगर कपूर चंदन इत्यादि जल करके और भस्मीभूत होकर के और अपनी दिव्य खुशबू को अपने दिव्य सुगंध को प्रस्तुत कर रहे हैं। चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं कि इसका शरीर तो मलयुक्त था, पर इसके शरीर को जलाने पर इतनी दिव्य सुगंध का आविर्भाव कैसे हुआ, तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं जिसके देह को श्री ठाकुर जी ने अनुग्रह करके छू लिया हो भैया, उसके शरीर से तो सुगंध आना बिल्कुल शोभायमान ही है, वास्तविकता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। विष देन आई पाई पूतना को खेल, विष देन आई पाई मुक्ति बिनु हेल, खुले धाम के किवार, खुले धाम के किवार, अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या कुपार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ऐसे दिव्य पूतना का उपसंहृत श्री भगवान ने किया है। जो पूतना चरित्र को श्रवण करता है, श्री भगवान उसके श्रवण मंगलम, उसको उसका मंगल निश्चित करते ही करते हैं। महाराज श्री भगवान दिव्यादिव्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री ठाकुर जी अन्य अन्य प्रकार की लीलाएं प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रज में।
एक बार क्या हुआ, श्री भगवान नारद जी देख रहे हैं, नारद जी ने देखा कि ये श्री भगवान चौखट को लांग नहीं पा रहे, ऐसे ऐसे श्री भगवान झूल रहे हैं। जब देखा श्री भगवान ऐसे ऐसे झूल रहे, ना उस पार जा सक रहे हैं ना इस पार जा सक रहे हैं, तो भगवान जब झूल रहे तो नारद जी मुस्कुराए, प्रभु आपसे ये चौखट नहीं लांगी जा रही, अरे जो जीव को भवसागर से पार उतार देते हैं उससे ये चौखट नहीं लांगी जा रही। तो श्री भगवान ने देखा कि इनसे ये चौखट नहीं लांगी जा रही। तीन पैर भूमि जाने बलि लियो छल, अरे चौखट न लांगी पाए रहो जो मचल, जाने खंभ दियो फाड़, जाने खंभ दियो फाड़, अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या कुपार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। भैया जिसने, नारद जी सोच रहे कि वास्तव में ये वही है जिन्होंने स्तंभ को अभिभ्यंतर करके स्तंभा भ्यंतर गर्भ भागने वत व्याख्या तत वैदही, यह पंचानन पंचजन्य वपुषा व्याधस्य विश्वात्मका, खंभ को जो फाड़ करके अगड़ गड़ 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 गड़ान है, खंभ फाटन को गड़ गड़ान है, नक्से निकस्यो हरि हरि वेदहु गुसार है, क्या ये वही श्री कृष्ण है जो आज चौखट नहीं लांग पा रहे। लेकिन महाराज माधुर्य अपनी लीला कर रहे हैं। भगवान के खिलौने कौन कौन से हैं देखो, श्री कृष्ण किस किस चीज से खेलते हैं, जलहा श्रृंगी जलहा अग्नि कंटकेभ्यो, भगवान किस। एक बार मैं किसी कॉन्फ्रेंस में गया तो महाराज सनातन वहां पे सारे के सारे आर्य समाजी लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं, वो तो चोर है। मैंने कहा बेइज्जती कर रहा हमारे भगवान की, अरे हमारे भगवान कहां से चोर है भाई। कॉन्फ्रेंस रोहतक की बात है, जब मेरे को ठाकुर जी कृपा से कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो सारे के सारे वहां पे महाराज आ रहे समाजी बैठे, बोले तुम्हारे भगवान तो जो है चोर है। मैंने कहा चोर बोल करके ठाकुर जी की बेइज्जती मत कर भाई, ये चोर नहीं है, तो चोर जार शिखामणि चोरों के अग्रगण्य है, जो चोरों के सरदार है वो है हमारे। बोले कहां लिखा है, मैंने कहा वेद में लिखा है महाराज, आप लोग वेद खोलोगे तो श्री भगवान के लिए लिखा हुआ है, तस्करा नाम पतये नमः, तस्करा नाम पतये नमः, श्री भगवान का वहां पे नाम लिखा हुआ है। अब बोलो क्या करें, क्या बोल सकते थे, कुछ नहीं बोल सकते थे। अस्तु, तो भगवान के खिलौने कौन कौन से हैं महाराज, श्रृंगी क्या करते हैं ठाकुर जी और बलराम जी, बड़ी बड़ी गायों के सींग में दोनों उलझते हैं और एक पकड़ करके इधर झूले झूलते हैं एक उधर झूला झूलते हैं, यशोदा माँ माथा पीटती हुई आती और दोनों को साइड में कर लेती है, ये श्रृंगी ही। अग्नि को पान अग्नि अग्नि से खेलते हैं श्री भगवान, दीपक जलाती है यशोदा जी तो कभी हाथ दे देंगे उसमें, कभी कुछ दे, कभी कभी हाथ से ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, इसलिए अग्नि ही। और भगवान किससे खेलते हैं, जल से। जल की तो ऐसी सुंदर लीला है महाराज, एक बार क्या हुआ, श्री ठाकुर जी जा रहे थे तो रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया, और कुआं दिखाई दिया तो ठाकुर जी ने कुएं में से यूं झांक करके देखा, झांक करके देखा तो उसमें परछाई ठाकुर जी की, तो परछाई देख करके ठाकुर जी बोला, ठाकुर जी बोले कौन है, तो वो नीचे से भी यही आवाज आई कौन है, तो ठाकुर जी बोले मोते पूछे गो, तो वो नीचे से भी आवाज आ रही मोते पूछे गो, सारे मोते पूछे गो, और वो भी ऐसे ही बोल रहा, वो तो बोले ये तो कोई कोई विशेष व्यक्ति आया है नीचे। तुरंत श्री गोविंद भागे हैं बलराम जी को बुलाया, दादा दादा चलो कोई है कुएं में कोई है, तो दादा बोले कौन है, बोले चलो देखो, तो जाकर के देखा दोनों के दोनों देखा, श्री कृष्ण बोले अरे देख मैं अपने भैया को ले आया हूं, तो जैसे ही झांका दोनों ने तो देखा कि वो भी अपने भैया को ले, बोले दादा ये भी अपने भैया को ले आया, बोले दादा इसकी तो अभी ऐसी तैसी कर, तू जल्दी जा नीचे पानी में जल्दी जा। श्री दाऊ जी बोले अभी ले लाला अभी जाऊं नीचे जाऊं अभी, तो श्री भगवान श्री बलराम जी तुरंत नीचे कूद गए, तो नीचे जैसे ही कुएं में गए तो देखा तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो ठाकुर जी को बोले कन्हैया यहाँ पे तो कौन आए, तो ठाकुर जी बोले ये तो मुझे पहले ही बेरो थो कि कौन आए, ये तो मुझे
पता था कि कोई है ही नहीं। ठाकुर जी को बलराम जी को कहा अभी बताता हूँ, तो बलराम जी ने कहा लेट जरा हाथ दियो मैं ऊपर चढ़ूंगो। तो ठाकुर जी का हाथ पकड़ा बलराम जी ने, ठाकुर जी को भी गिरा दिया नीचे कुएं में। अब दोनों के दोनों कुएं में ही हैं। इतनी देर में यशोदा मैया आ गई, दारी के कास काओ तुम सारे के सारे, बताओ मेरी खोपड़ी में दम कर दिया तुम दोनों के आतंक ने। काओ देखा यशोदा जी ने नीचे कुएं में है। ओहो यशोदा मैया ने कहा तुम ऊपर आओ मैं बताऊं तुम्हें, और डंडी उठा ली श्री यशोदा जी ने। अब चुपचाप कन्हैया जी कहे देखो तुम जाओ दाऊ। तो दाऊ कह रहे क्यों मैं क्यों जाऊं, तूने मुझे यहाँ बुलाया मैं नहीं जाऊं। बोले चलो दोनों साथ चलते हैं। तो श्री दोनों युगल जो है गौर वर्ण श्री दाऊ जी और श्याम वर्ण श्री गोविंद जी, जैसे ही ऊपर आए तो दाऊ जी तो यशोदा जी बोली कि है ना कैसे पहुंचे तुम दोनों इस कुएं में। तो दाऊ जी बोले मैं बताता हूँ। ठाकुर जी बोले मैया मैं बताऊ मैं बताऊ मैं बताऊ। तुम यशोदा जी बोली नहीं तू मुझे पता है घुमा देगा मुझको बिल्कुल नहीं तू मत बता। ठाकुर बलराम बताएंगे बता दाऊ। तो ठाकुर जी का मैया मैं बताऊंगा घुमाऊंगा नहीं। बोले बता। तो यूं बोले कि मैया पता है नीचे कोई हो। तो ठाकुर जी की मैं तो मैया बोली कौन। बोली मैया जब मैं आया तो मुझसे कहता है कौन है, और फिर मैं भैया को ले आया तो वो अपने भैया को ले आयो। तो मैया ने कहा कौन है। तो देखा मैया ने नीचे तो तीनों की परछाई दिखी। ठाकुर जी बोले देख मैं अपनी मैया ले आयो, वो भी अपनी मैया ले आयो महाराज। ऐसे श्रीलाल जी दिव्य लीला करे हैं। और जैसे यशोदा जी ने देखी और यशोदा जी ठहाका लगा के हंसी और दोनों के दोनों जंगल में भाग गए। ऐसे इसीलिए जलेभ्यः जल से ठाकुर जी क्रीड़ा करे हैं। एक दिन क्या हुआ ठाकुर जी के साथ श्री यशोदा जी के साथ श्री ठाकुर जी अपने ननिहाल गए महारानो ब्रज में है। महारान ठाकुर जी का ननिहाल है यशोदा जी का पीहर। तो गए वहां पर और वहां पर जाकर के अब रात को रोज की रोज ठाकुर जी को कहानी सुनाई यशोदा मैया। तो ठाकुर जी को सुला रहे हैं यशोदा, लाला सो जा। ठाकुर जी बोले मैया तूने मो को गलत अभ्यास पढ़ाए दियो, तूने अभ्यास कहानी सुनाने को मुंह पे लगाए दियो, बिना कहानी सुने मैं तो सोऊं नहीं। तो ठाकुर जी तो यशोदा जी बोली ठीक है लाला मैं तेरे को कहानी सुनाऊं। तो ठाकुर जी को कहानी सुना रही हैं श्री यशोदा जी। देखिए कितनी सुंदर कहानी सुनाती हैं यशोदा जी। हमारे श्री विलुमंगल ठाकुर इस कहानी का वर्णन करते हैं। रामो नाम वभुम हुं कृते तस्या बला सीता दिति हुं। लाला राम जी थे तो ठाकुर जी बोले बोले बाकी पत्नी सीता हती। बोले बोले वो राजा अपने पिता के कहने पर दोनों के दोनों तीनों जंगल गए। बोले बोले लेकिन एकदम से क्या हुआ रावण ने सीता को उठा लिया। जैसे ही ठाकुर जी ने सुना तुरंत ठाकुर जी अपनी शैया पे उठ गए, जोर से बोले सौमित्रे को धनुर 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 दी। अरे लक्ष्मण मेरा धनुष ला धनुष ला धनुष ला। वो रावण सीता जी का हरण कर रहे हैं सीता जी का हरण कर रहे हैं। यशोदा जी बोली कौन लक्ष्मण कौन राम। तो थोड़ा बहुत तत्व जानती थी रोहिणी जी तो कहा मैया चिंता मत करिए लोग खेलते होंगे इस कारण से, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहानी सुनकर के श्री ठाकुर जी सोए। बहुत सारी अन्य अन्य प्रकार की लीला करी है ठाकुर जी ने, दिव्य दिव्य मधुमंगल इत्यादि के साथ बहुत दिव्य दिव्य श्री ठाकुर जी ने लीला करी है महाराज। एक लीला और क्या है, जले प्यो जल से ठाकुर जी क्रीड़ा करे हैं। जल में श्री राधा रानी उधर से आ रही हैं, श्री गोविंद इधर से आ रहे हैं, जल क्रीड़ा करें इसको नरोत्तम पाद ने जल रास की उपमा दी है, इस कारण से जल क्रीड़ा ठाकुर जी करे हैं। और अन्य अन्य प्रकार की ठाकुर जी लीला करें महाराज। इन समस्त लीला के दिव्य प्रभाव से व्यक्ति आनंद कंद श्री सच्चिदानंद श्री गोविंद घनश्याम का प्रिय हो जाता है, और यही लीला ही ठाकुर जी को प्रेम कराने वाली है। इसीलिए इन लीलाओं के श्रवण से कोई कहता है ठाकुर जी कौन, ठाकुर जी किस लिए आते हैं, कोई कहता है ठाकुर जी किस लिए आते हैं, भैया ठाकुर जी क्यों आते हैं यहाँ पे पृथ्वी पे, क्या केवल असुरों को मारने के लिए, चक्र छोड़ने धनुष छोड़ने फलाना छोड़ने ये छोड़ने यही कारण से ठाकुर जी आते हैं। कोई कहे असुर संघारी भी को आए हरी,
कोई कहे भूमि भारतारी में को आए हैं, कोई कहता असुर के संहार करने आए हैं, कोई कहता है भूमि का भार डालने आए हैं, लेकिन संत जन कहते हैं भगवान किस लिए आए हैं। भगवान यहाँ पर बैठे बैठे वहां पर असुरों का संहार कर सकते थे, लेकिन ठाकुर जी बैठे बैठे वहां पर अपने लोक में तीन काम नहीं कर सकते थे, कौन से? पर बैठे को पिन को माखन कैसे ले तो खाए, हाँ पर बैठे विदुरानी को छिलका कैसे ले तो खाए, हाँ पर बैठे शबरी के फल को कैसे ले तो खाए, अरे तज देउ भले शेष सिंहासन पर भक्तन की पीर सही ना जाए। भगवान केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए आते हैं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कल दुर्वश्य श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। हाँ देखो, कल है दो उत्सव है, कितना उत्सव है? कल एक उत्सव है हमारे जो छोटे ठाकुर राधा कृष्ण है उनका, साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु को कल यहाँ पर सम्पन्न की जाएगी, इसलिए सवेरे 10 बजे यहाँ पर यज्ञ प्रारंभ होगी, यज्ञ करेंगे हैं। इसलिए आप लोग अपना घर से हैं, वो जो यज्ञ है नरसिंह भगवान का यज्ञ, ठाकुर जी का स्थापना का यज्ञ है, कोई कोई लोग बोल रहे थे हम जनेऊ लेना चाहते हैं, अपना जनेऊ संस्कार करवाना चाह रहे थे, अगर कोई चाहोगे तो अगर आओगे तो कल आपकी जनेऊ संस्कार भी हो जाएगी यज्ञ के द्वारा हैं। इसलिए अपना घर से हो सकता है थोड़ा थोड़ा हवन सामग्री, थोड़ा घी ले आना, भगोला ले आना, उसमें आप लोग आहुति दे सकते हो, क्योंकि जो नरसिंह भगवान का यज्ञ है, जैसे प्रहलाद के ऊपर में बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन क्या हुआ, नरसिंह देव का आशीर्वाद से सारे बाधाएं दूर हो गई। इसलिए उसमें आहुति डालने पर हमारे घर का जितने सारे काल सर्प योग उल्टा पुल्टा जितने ग्रह योग सब खत्म हो जाएगी। इसलिए कल एकदम 10 बजे आप लोग आ जाइएगा, यहाँ पर यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद में ठाकुर जी को प्रतिष्ठित किया जाएगा, उसके बाद में थोड़ा प्रसाद भी मिलेगा। और कल शाम को श्री अन्नकूट महोत्सव है, श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए कल आप अपना घर से कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी लेकर के आना, क्योंकि कृष्ण स्वयं बताए श्री अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न की दाना अगर कोई दे दे, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी, इसका बड़ी महत्व है। इसलिए कल शाम को हम लोग गिरिराज अन्नकूट महोत्सव भी करेंगे, शाम को कल उत्सव भी है, सभी के लिए बढ़िया बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था भी है कल। इसलिए थोड़ी सी जल्दी आइयो, ज़्यादा कथा सुन सकते हैं और जल्दी भी हम कथा को विश्राम कर देंगे, ठीक है? और कल सवेरे दोपहर में भी आना, शाम को आना। अभी हम लोग श्री राधा रानी की जन्म महोत्सव को कथा श्रवण करेंगे। बोले श्रीमती राधा रानी की, जोर से बोलो, बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए कहते श्री वृषभानु महाराज, कहते इनके घर में एक बेटा श्रीदाम भैया, लेकिन घर में कोई बेटी नहीं, इसलिए श्री वृषभानु महाराज सोच रहे हैं घर में एक बेटी होनी चाहिए, क्योंकि घर में जब कोई बेटी आए ना, दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई, घर में कौन आई? लक्ष्मी आई, लेकिन बेटा आई, कोई कहता है नारायण आया? कोई नहीं कहते, लेकिन बेटी आई तो दुनिया क्या कहते, घर में लक्ष्मी आई। इसलिए जब लड़की को दान की जाती है, सारा दुनिया लक्ष्मी रूपा मान करके बेटी की दान की जाती है, लक्ष्मी स्वरूपिणी मान करके। इसलिए जितने दानों में जो कन्या दान को सबसे बड़ा दान बताया गया, लेकिन अभी बड़े दुर्भाग्य की बात है, गर्भ में अगर पता चले जाए बेटी आ गई ना, मतलब उसको खत्म कर दो, नहीं, अभी लिखा हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर जगत में केवल बेटा ही हो जाएगी, अगर बेटी नहीं होगा बताओ दुनिया रहेगा कि नहीं? ये माताओं के लिए ही ये दुनिया बचा हुआ है, है? इसलिए माताओं के लिए बचा हुआ है, इसलिए घर में एक बेटी होनी चाहिए। अब मैं तो सारा दुनिया में जो घूमता हूँ, कभी कभी क्या होता है, जब बेटा का शादी हो जाती है ना, माँ जिंदगी भर बेटे को अपना गर्भ में धारण करती है,
खिलाती हैं पिलाती हैं बड़ा करती हैं, लेकिन घर में जब बड़ी बहू आ जाती है ना, बस हो गया। एक रात में एक ऐसे मंत्र देती हैं, दूसरे दिन बेटा का बुद्धि खराब है, बुद्धि खराब हो जाता है, है? फिर जो पैसा ला करके बड़ी माँ को हाथ में देता था, अभी बड़ी माँ को नहीं छोटी माँ को हाथ में पैसा देता है, बड़ी माँ को हाथ में पैसा नहीं। और मैंने बहुत सारे जगह पर देखा, कभी कभी बच्चे लोग इतने तंग करते हैं, पिता माता जा करके लास्ट में बेटी को पास में ही सहारा लेती है। इसलिए जब बेटी शादी हो जाए, देखना घर से वही से खबर लेती हैं, मेरे पिता माता कैसे हैं, मेरे पिता माता कैसे खबर लेती हैं। इसलिए अगर पिताजी बाहर जाए ना, बेटा बोलेगा पिताजी क्या लाओगे, बेटी बोलेगा कब आओगे, बेटा क्या बोलेगा क्या लाओगे, बेटी क्या बोलेगी कब आओगे। इसलिए जो माताएं हैं इनके हृदय कोमल है, इसलिए जगत में बेटी होना बहुत जरूरत है, बेटी होना, नहीं तो सबके सब कुंवारे रह जाओगे, शादी वादी नहीं होगा तुम्हारी। इसलिए कुछ दिन पहले मैं कहीं एक लेक्चर सुन रहा था, कौन सा बढ़िया परिवार में ना किसके परिवार में, कहते वहाँ पर इतने बेटे हो गए, बेटी नहीं चाह रहे, इतना बेटे हो गए, अभी बच्चे लोग कुंवारे रह रहे हैं, बेटी है ही नहीं शादी करने, शादी कहाँ करेंगे, कहाँ अपना परिवार में शादी करते हैं, लेकिन बेटी है ही नहीं वहाँ पर। इसलिए घर में, इसलिए वृषभान, इसलिए इनका नाम है वृषभान महाराज, इनका नाम है, इसलिए कहते कृतिका सुंदरी, इसलिए कहते वृषभान महाराज सोच रहे घर में एक बेटी होनी चाहिए, घर में बेटी, इसलिए लेकिन एक बेटा है। कहते राधा रानी कैसे इनके घर में आई, इनकी कथा रूप गोस्वामी सुनाते हैं। कहते श्री हिमालय का पर्व जो बेटी ये पार्वती, पार्वती की जो शादी श्री भोले बाबा से हुई है, इसलिए उनका दामाद हो गए भोले बाबा। और दामाद अगर इतने बड़े हो, देव देव महादेव, योगी योगी महायोगी हैं, इतने बड़े हो, उन्होंने तो हर पर्वत को पास में जाकर डी घांकता है, बोले जानते हो मेरे हैं, जानते हो मेरे दामाद कौन, अगर किसका परिवार में बड़े दूर से अगर प्राइम मिनिस्टर हो ना, हम घुमा घुमा पर जानते हो मोदी कौन, अमुक लगता है वो, बोलते ना। उसी तरह यहाँ पर भी हिमालय पर्वत हर पर्वतों के पास में जाकर कहते जानते हो मेरे दामाद कौन है, देव देव महादेव, योगी योगी महायोगी, सत्यम शिवम। अभी उन्होंने जाकर के विंध्याचल पर्वत के पास में बड़े डीग आके विंध्याचल ने कहा तो बड़ा अभिमानी आप, देव देव महादेव सब जगह में जाकर गाता है। बोले ठीक है, मेरे को ऐसे के दामाद की प्राप्ति होगी जो कि तुम्हारी दामाद मेरे दामाद का नौकर होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी को आराधना की, कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा संतुष्ट हुए, बोले क्या वर चाहते हो, बोले मेरे को ऐसे एक दामाद की जरूरत है जो हिमालय का दामाद मेरे दामाद का नौकर हो। तब ब्रह्मा जी तथास्तु आशीर्वाद दे दिए। अभी प्रश्न है दामाद होगा कब, घर में जब बेटी हो तब दामाद होगा, लेकिन वो तो छोटे मोटे दामाद मांगे नहीं, शंकर जी के नौकर हो। बोले शंकर किसके सेवक है, भगवान राम का, भगवान कृष्ण के, क्योंकि हनुमान ही ये बनकर के शंकर जी आए हैं, और शंकर जी हर समय भगवान की नाम जप करते हैं। इसलिए अगर इनके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी बेटी बन करके आए, साक्षात श्री राधा रानी बेटी बने, फिर तो जा करके ये काम बनेगा। लेकिन राधा रानी तो नित्य पुत्री श्री कृतिका सुंदर की, कृतिका सुंदर की। अभी क्या होगा, अभी कृतिका सुंदर गर्भधारण की, तब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया तो उन्होंने जोग माया को आदेश दिया, ये कृतिका सुंदर की गर्भ से बच्चे को ला करके तुम स्थापन कर दो विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में। और उन्होंने आकर्षण करके उनको विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में उन्होंने स्थापन कर दी है। जब स्थापन कर दी, अभी कृतिका सुंदरी बोली मेरी गर्भ कहाँ अंतर्ध्यान हो गया, गर्भ कहाँ चली गई, लेकिन गर्भ चली गई और कहीं, लेकिन उपयुक्त समय होने पर विंध्याचल की पत्नी उन्होंने देव दो बेटी की जन्म दी। बोले एक श्री राधा रानी को और एक चंद्रावली, ये दोनों बहनी लगते हैं, दोनों भाइयों का ये दोनों बेटी है, चंद्रावली और एक राधा रानी। जब जन्म हुई इधर क्या हुआ, जिस समय कंस ने ये पुतना को, जिस समय कंस ने जो देवकी की जो पहला बेटी, जब उसने पछाड़ने के लिए गया, इतने में वो देवी तो आकाश में उड़ गई, अष्ट भुजाओं को धारण करते हुए बोली, बोले रे मूढ़ कंस तो मुझे क्या मारोगे,
तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले लिया। देखो वो जो अन्यत्र जन्म लिया है ना, वो अकेले नहीं जन्म हुए, वो अपना शक्ति को साथ में जन्म हुई। मैं जितने सुंदरी हूँ मेरे से ज्यादा सुंदरी वो है, और अगर उसको साथ में किसकी शादी हो गया ना, वो त्रिभुवन विजेता बनेगा, ये अजर अमरत्व को प्राप्त करेगा जगत में, इसका सारा दुनिया में उसके नाम है, नाम गुंजेगा, क्योंकि उधर राधारानी जन्म हुई, उनका पति तो कृष्ण है, उधर सारा दुनिया का मालिक है ही है। लेकिन कंस ने देखा, ये तो मेरी कुल देवी, ये तो कभी झूठ बोलेगी नहीं। तब उन्होंने पुतना को बोले, देख पुतना, अगर लड़का मिले तो मार देना, अगर लड़की मिले ना मारना नहीं, उसको पकड़ करके ले आना, मैं शादी करूंगा, क्योंकि ये मेरी देवी ने ये बात खुद बताई। इसलिए अभी सारा दुनिया में हल्ला मच गया, किसकी घर में बच्चे नहीं रुकते हैं, पता नहीं कौन आकर कैसे मार जाते, क्यों पुतना घर घर में मार रही थी सभी को। इतने में विंध्याचल पर्वत भी बड़े चिंता में, कहते मेरे घर में भी दो बेटी हुई, सचमुच से पुतना कब अंदर में चली गई और दोनों को बेटी को पकड़ करके आकाश में ले चली, वो मारी नहीं, क्यों? कंस ने बताया था बेटी मिले तो ले आना, जब आकाश में चली गई विंध्याचल अपना पुरोहित को बुलाया, बोले ऐसे उच्चाटन मंत्र, मारने का मंत्र प्रयोग करो जैसे पुतना मर जाए। उन्होंने उच्चाटन मंत्र प्रयोग किया और पुतना छटपट 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 करने लग गई है, वो आई फिर गोकुल में, फिर वहीं पर मरी। लेकिन दोनों जो बेटी थी ना, दोनों बेटी को उन्होंने जमुना में छोड़ दिया। जब जमुना में छोड़ दी, अब लोग गए होंगे वहां पर, एक जगह पर चंद्रावली की प्राप्ति हुई और एक जगह पर राधा रानी की प्राप्ति हुई। वृषभानु महाराज रोज सवेरे में ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने जाते हैं, देखा एक सतदल कमल फूल को ऊपर में किलकारी मारते हुए उनका शरीर की तेज पुंज चतुर्दिग उद्भासित हो रहा है, और अपना अंगूठा को चूसती हुई किलकारी मारते हुए वो लड़की जल में प्रवाहित होते हुए इनकी तरफ में आ रहे हैं, और वृषभानु महाराज पानी में उतरे और श्री राधा रानी को वहीं से उठा लिया। बोले श्रीमती राधा रानी की। अभी कृतिका सुंदरी राधा रानी को पालन कर रही हैं। इधर नारद जी ने देखा कृष्ण तो कहीं अकेले नहीं, वो तो अपना शक्ति को साथ में आएंगे। अभी कहां पर चारों तरफ में घूमते घूमते जब उन्होंने आए रावल में, यहीं पर श्री राधा रानी को उन्होंने दर्शन किया। इतने में उन्होंने बोले जाओ इनको थोड़ा आशीर्वाद दूंगा, कुछ रोली चावल ले आओ। जब गए इतने में राधा रानी किशोर रूप धारण कर ली, सारे सखियां प्रकट हो गई और श्री नारद जी बड़े सुंदर स्तुति किए, ले आओ किसको राधा रानी बनाए, लेकिन ले आओ राधा रानी किसको, उसको सर के ऊपर कोई कपड़ा ढक सकता है, कोई कपड़ा लड़की, और एक राधा रानी ना, दो दो राधा रानी ना, और एक राधा रानी कहाँ पर है, हाँ उधर है, ठीक ठीक रुक 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 जाओ, उसको सर के ऊपर ना कोई पतला कपड़ा उठो, दोरीलाल प्रभु जी ये कपड़ा दे दो तुमको राधा रानी को, दे दो उसको ये, हाँ उसको देता हूँ, इसको देता हूँ, हेलो इसको लो, राधा रानी का सर पर ढक लो, हरे कृष्णा। अभी श्री नारद जी बड़ी सुंदर स्तुति कर रही हैं, बोले मुनिन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते सदा गरीश सीयम कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी सीतान मंडप सिदे प्रबाल बाल वल्लभ प्रभारुणा कृपोमले वराव श्रीमती राधा रानी की। फिर राधा रानी बोली फिर तुम्हें गिरिराज तलेट में दर्शन दूंगा, और नारद प्रसन्न हो गए। श्री वृषभान महाराज ब्रज में नौता दे दिया, मेरे घर में लाली भाई सबके स्वभाव। श्री नंद जसोदा भी आई लाला को लेकर के, राधा रानी जन्म से आंख बंद करके रखी, बोले सर्वप्रथम अपना प्रियतम श्री कान्हा को देख करके फिर दुनिया को देखूंगी। उन्होंने कृष्ण को ला करके श्री राधा रानी को पास में जब सुलाया, उन्होंने राधा जी को ऊपर हाथ रखते ही इतने में राधा रानी अपना नेत्र खोल दी, बोले श्रीमती राधा रानी की जय।
वृषभानंद महाराज जी के आनंद की ठिकड़ा नहीं रही, फिर बड़े धूमधाम से उन्होंने राधा रानी की ले आओ, राधा रानी की जन्म महोत्सव मनाए। बोल श्रीमती राधा रानी की, इधर आ जाओ इधर, वो बच्ची को अपने कपड़ा ढक दो, कपड़ा ढक दो, अरे डबल कर, हाँ ले आओ ले आओ। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इधर आ, इसको मैया कहाँ, हाँ उसको भी ले आओ, छोटे राधा रानी, हाँ। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। हाँ इधर आ, और एक और देखिए, इधर ले आओ उसको, पहना उसको, इधर इधर उसको, बच्चों की इधर ले, इसलिए इनको दो चेयर दे दो बैठने के लिए, कोई है कोई पीछे से दो चेयर दे दो, माताएं जो चेयर में बैठे वो चेयर दे दो, इधर आ जाओ आप लोग, इधर आ जाओ, इधर लिख रहे डोरीलाल जी, क्या देख रहे हो, शुरू करो। उनको चुंदर दे दो, ले लो अपना चुंदर ले लो, फटाफट आराम करो, फटाफट जल्दी जल्दी आराम करो, ये राधा रानी का प्रसाद हो। राधा रानी को जन्म महोत्सव मनाए हो, समस्त ब्रजवासी प्रसवान महाराज के द्वार पे गए, और किस प्रकार बधाई बज रही है प्रसवान महाराज के द्वार पे, चलो प्रसवान महाराज की, तीरथ मैया की, रावल ग्राम की, बरसानो धाम की, रंगीली गली की, नवद्वीप धाम की, जय जय जननी कुमार किशोरी सखी मंगल गाओ, जननी कुमार किशोरी सखी मंगल गाओ, जननी कुमार किशोरी सखी मंगल गाओ, जननी कुमार किशोरी सखी। तो राधा रानी के जन्मोत्सव में नाचेगा, राधा रानी कौन लक्ष्मी है, घर में खूब माल आएगा, इसलिए खड़े हो जाओ, सबके सब खड़े हो जाओ, हरी को मारे की रात के अंगना लुट लाओ,
Thank you.
Thank you.
Thank you.